साईं मस्ताना जी महाराज ने यह सच्चा सौदा जो बनाया, इतने वचन किए हैं जो कहने सुनने से परे हैं। साईं जी ने वचन किए, सच्चा सौदा का मुरीद सच्ची भावना श्रद्धा वचनों पर रह के सेवा करता है, उसे ना अंदर कमी रहेगी ना बाहर कमी रहेगी। वो अंदर बाहर से माला माल होते जाएंगे और आज हो रहे हैं। बहुत सा संगत यह गर्व महसूस करती है बताते हुए कि हमारे पास पंखा नहीं था, आज एसी लगे हुए हैं। साइकिल नहीं था, आज जहाजों के ऊपर सवारी करते हैं। वाकई गर्व की बात है, फखर की बात है। ये सब साईं दाता रहबर शाह मस्तान शाह सतनाम जी का रहमो करम का कमाल है। और कलयुग में काल का जोर बढ़ता जा रहा है तो दयाल का भी जोर उससे सैकड़ों गुना बढ़ रहा है, और खुशियों से लोग सैकड़ों गुना झोलियां भर रहे हैं। किसी का नशा छुड़ाने में सासंग दौड़ के जाती है, अपना घर का काम धंधा छोड़ती है, नशा छुड़वाने के लिए अपने पैसे से बस गाड़ियां करती है, उनको लेके आती है। आती तो उनको लेके है, और आप सोचते होंगे जाती तो खाली नहीं, उनको लेके आती है और यहां से झोलियां नहीं, ट्रक कराए तो ट्रक, बस कराए तो बस, वो ही भर के लेके जाती है और जाया करेगी। जैसा साधन करवाएंगे खाली आएगा तो फिर थोड़ा सा साथ जाएगा, अगर वो पूरा भरा हुआ लाओगे तो यहां से पूरा भरा हुआ ले जाओगे, क्योंकि उसके साथ चलाकी तो चल नहीं सकती। कहीं आप सुन लें कि भाई गुरुजी ने बोला है जो बस लेके आएंगे तो ले चलो, चाहे दो लोग ही बैठ के चलो। या नहीं, रब ना ठगियां क्यों मारे बंदे, यहां नहीं चलता ये प्रोग्राम। दो लेके आए हो तो उतनी सी दो सीटों की खुशियां जाएंगी साथ। हाँ, पूरी बस भर लाए या ऐसा कैंटर तो फिर वो पूरा ही भर के ले जाओगे जब जाओगे। तो ये बेपरवाही से दुआ करेंगे, वो ये जरूर पूरा करेंगे और जरूर पूरा करेंगे। तो क्योंकि भंडारे के लिए आपको वो वचन होने चाहिए जो साईं मस्ताना जी महाराज हमें अंदर से कह रहे हैं, शाह सतनाम शाह मस्तान, और आपको वो तमाम खुशियां मिलनी चाहिए जिसके आप हकदार हैं। चाहे आपकी हाजिरी यहां लगे ना लगे, लेकिन वो खुशियों से कोई आपको रोक नहीं पाएगा, ये हकीकत। प्रसाद मिले ना मिले पर वो अंदर की खुशियां जरूर मिलेंगी, उसे कोई बांट नहीं पाएगा। जो सेवा करेगा उसी की झोलियां भरेगी। शाबाश उनके जिम्मेवारों के, अगर उन सेवादारों का नाम बोल दिया करें कि भाई ये बहुत सेवा करते हैं। ये अब बंद हो गया आज के बाद कि किसी की बताई तरकीब को खुद की बता के आप क्षण भर की खुशी ले सकते हैं, लेकिन जिसने वो तरकीब बताई मानवता भलाई की, सारी खुशियां उसकी झोली में जाएंगी। अगर आप उनका नाम बता देते हैं कि जी हमने, मैंने नहीं किया ये तो उसने किया है, फिर उसको तो मिलेंगी, आपने बताया आपको भी कुछ ना कुछ जरूर मिलेंगी, वरना तो फिर 001 नहीं मिलेगा। तो इसलिए जो कोई स्कीम देता है, जो कोई आइडियाज देता है, सुझाव देता है साध संगत के भले के लिए, पूरी मानवता के भले के लिए, अपना नाम जरूर लिख के दिया करो। और सेवादारों से गुजारिश, आज से पहले जो हुआ सो हुआ, आज के बाद उनका नाम जरूर बताया करो। अगर आपने भी कुछ खुशियां लेनी है, अगर आपने दोनों जीरो लेनी है तो आपकी मर्जी, एका तो तभी लगेगा अगर उनका नाम बता के उनको खुशियां दिलवा दोगे। क्योंकि बहुत सी साध संगत, बहुत से नौजवान भाई बहन, बुजुर्ग अधेड़, माता बहने, बच्चे अच्छा सुझाव देते हैं। स्टैंड ले आओ तो अच्छा नहीं भाई, कि नहीं है स्टैंड तो ले आओ। तो प्यारी साध संगत जी, आपको बात सुनाते हैं, आप शांत बैठ जाएं, प्रसाद देने वाले प्रसाद देते रहें, बाकी सारे शांत रहें, आपको अभी बातें बताते हैं। जी तो शोर ना करें सेवादारों, आप शोर ना करें, पानी भी आपको पिलाएंगे, आप आराम से बैठे, पानी वाले भी आ रहे हैं, लंगर भोजन भी आपको दिया जाएगा सबको। अभी एक बार सिक्का दिया जाए, उसके बाद लांगरी हमें बता देना कि प्रसाद हो चुका है, सिक्का दिया जा चुका, तो उसके बाद फिर आप लंगर का सोचेंगे।
तो प्यारी सत्संग जियो, परम पिता शास्त्र राम जी दाता रहबर एक बार बेरियों में घूमने जा रहे थे। बेरियों वाला बाग कहलाता था। मस्ताना जी धाम में जो बाग लगा हुआ है, पीछे बेरियां हैं, एक साइड में बाग है, तो वहां घूमते राउंड लगाते। संगत बहुत कम थी उस टाइम। उनकी रजा, आज भी उनकी रजा, पहले भी उनकी रजा, आगे भी उन्हीं की रहनी है। किसी के दिमाग में घेर ना अड़ जाए। हमारा तो कुछ भी नहीं, हम तो चौकीदार खाकसार कुछ भी नहीं। सब वो करवा रहे हैं, करवाते थे, करवाते रहेंगे। तो वो घूम रहे थे, वापिस आए तो एक बच्चा कहने लगा, पिताजी पिताजी। कहने लगे, हाँ बेटा। सफेद कपड़े पहने थे, एक छोटा सा धब्बा लगा हुआ है। बेपरवाह जी हंस के कहने लगे, बेटा कपड़े कई बार सुखाने डाल देते हैं तो धब्बा लग जाता है। कहने लगा, पिताजी अगर आपके सेवादार जो कपड़े डालते हैं, आपके कपड़े सफेद हैं, इनको उल्टा करके डालें तो अगर छोटा मोटा कोई मिट्टी का धब्बा लग गया तो अंदर लगेगा, वो बाहर नहीं दिखेगा। तो बेपरवाह जी ने सबको बुलाया, कहते ए आओ इधर, ये बच्चे ने राय दी है, ये राय मानेंगे। हम तो बच्चे की राय भी मानते हैं भाई, आप बड़ों की मानो ना मानो, हम तो बच्चे की भी मानते हैं। तो वो हकीकत है प्यारी सत्संग जियो, ये आपका असली घर है, रूहानी घर। उस घर में तो जब बुजुर्ग हो जाता है बेटे निकाल देते, चल बेटा यहां तो मौत के बाद भी नहीं निकाला जाएगा, जीते जी तो आप भूल ही जाओ। तो ये आपका अपना घर है। और इसमें जो नए नए जीव आते हैं नाम लेने, वो नए घर के मेंबर बनते हैं। तो अपने घर में सब लोगों की सुख सुविधा के लिए आप जरूर जरूर सुझाव दिया करें, जरूर सुझाव दिया करें। और सारी सत्संग से हाथ जोड़ के विनती है, जितने भी ब्लाकों वाले आए हैं सभी स्टेटों के, कि यहां 25 मेंबर हरियाणा, सभी पंजाब, राजस्थान, दोनों तरफ भाई बहन बैठेंगे, एडम वाले दो दो लोग, आप अपने ब्लाक से कितने मिस्त्री 7 दिनों के लिए ला सकते हैं और पूरा साल उस रोटेशन को चला सकते हैं। मान लीजिए आपके 30 गांव हैं, आप 15 मिस्त्री ला सकते हैं, चलो 10 ला सकते हैं, चलो 5 ला सकते हैं। तो आप अपने स्टेट में ये बताएं कि भाई मैं 30 मिस्त्री लाऊंगा, और आपके 102 ब्लॉक हैं, अगर आप 30 गांव हैं 30 मिस्त्री लाएंगे तो 51, अगर 60 मिस्त्री रख लें, चलो 60 ने 90, चलो 120 रख लें, 4 ब्लॉक इकट्ठे आएंगे। अगर 120 भी रख लें तो हमें लगता है कि आप 25 सप्ताह के बाद आपका नंबर आएगा, लगभग 25 हफ्ते के बाद फिर से आप 30 मिस्त्री लेके आएंगे। अदरवाइज 25 हफ्ते आपको 30 में मिस्त्री लाने की जरूरत नहीं। और 30 मिस्त्रियों के साथ लिखते जाएं, एडम वाले हमें देखे ना, दर्शन बाद में कर लेना जितने मर्जी, हम रोकेंगे नहीं। आप तो लिखने का काम है, मुंह इधर कर रखा हाथ पीछे, तो आप लिखें प्लीज, विनती हाथ जोड़ के इधर भी और इधर भी कि लिख लीजिए। हाँ, हम तो हाथ ही जोड़ने, सबके आगे जोड़ने भाई, हम किसी को क्या बुरा कहें। तो 30 हर ब्लाक वाले मिस्त्री जो भी ला सके ब्लाक, शाबाश, और उनको 25 जनवरी के भंडारे पे नवाजेंगे। मतलब उन दिनों में 22 को 23 को 24 को सात संगत के सामने या सेवादारों की मीटिंग में दोनों में से एक जगह जरूर नवाजेंगे कि भाई इन 15 मेंबरों ने, इन 7 मेंबरों ने, गांव बुला के भंगीदासों ने, यूथ ने, वीरांगनाओं ने इतने मिस्त्री पूरे किए हैं। तो इस तरह सभी स्टेटों के मिस्त्री आने चाहिए, क्योंकि यहां आश्रम की आश्रम को बदल के बनाएंगे। जो कंटीने वो बाहर जा रही है, हमने जगह बता दी है, कंटीने बाहर जाएंगी। ये पंडाल बहुत खूबसूरत बनेगा, इसको सुंदर सा बनाना है। और कोशिश है कि जब आप फारिग होंगे कि जुलाई में कोशिश करेंगे, या अगस्त में, जुलाई अगस्त में इसको बनाएंगे, जुलाई में, ताकि आप भी फ्री होते हैं, लगभग फ्री होते हैं, जिम्मेदार दुकानदार शायद हमारे ख्याल से उस टाइम कम काम होता है, कार्य लगभग कम होता है जी।
तो वकील साहब कह रहे हैं बैठे इधर 25 मेंबर कि हाँ पिताजी कम होता है, वैसे पूछ तो सबसे रहे हैं पर बोले एक ही हैं जी, तो वाकई उस टाइम में कार्य कम होता है, ऐसे हम तो हाजिरी लगाते हैं, जो भी हामी भरता है तो हाजिरी लगा देते कि भाई उसने कहा हाँ जी। तो इस तरह से आप अपने ब्लाकों में सेटिंग कर लें सारी 25 मेंबर भाई बहन, ताकि उस टाइम में एकदम से मिस्त्री ज्यादा आए, और अगर आप 30 मिस्त्री भेजते हैं तो कम से कम 90 सेवादार भी भेजें, क्योंकि एक मिस्त्री के साथ 3 लोग होने जरूरी है, ईंटें पकड़ाएगा, गारा पकड़ाएगा और एक ईंट मिस्त्री को आगे देगा, तो ये कम से कम 3। छोटे बच्चे ना आए तो ज्यादा अच्छा है, बाकी आप देख लें। तो प्यारे सत्संग जीओ, अब फिर वहीं पे आते हैं, परम पिता जी ने ये सुझाव दिया, छोटे से बच्चे ने उनका लिया, जो अपने आप में बेमिसाल है, एक दोनों जहां के मालिकों को ये दिखाना कि भाई देखो हम तो छोटे बच्चे का भी सुझाव ले लेते हैं। तो आपसे गुजारिश है उनको कितनी खुशियां मिले अगर उनका नाम आप बताएं कि जी फलां बच्चे ने, फलां बड़े ने, फलां बुजुर्ग ने हमें ये बताया था और हमने आपको सुझाव दिया, तो आपको भी खुशियां और उसको मिलनी है, उसको तो वैसे भी मिलनी है, आप नहीं बताएंगे तो भी मिल जाएंगे, मालिक से दुआ कर दी है, पर आप अगर बता देंगे तो उसमें से आपको काट के नहीं, उनको अलग और आपको मालिक ने अलग खुशियां दे देनी है। तो साईं मस्ताना जी महाराज ने जब यहां पे सच्चा सौदा बनाया, जो श्याम मस्ताना जी धाम है वहां पे, हाँ बहनों आके खड़े ना हो, अगर प्रसाद हो चुका है तो ठीक है ना, तो पीछे जाओ आप, बिल्कुल प्रसाद भाइयों की तरफ हो गया, तो बहनों की तरफ हुआ नहीं क्या अभी, बहनें इतनी वैसे चले जा रहे हैं, अगर नहीं हुआ तो जाएं, जल्दी जल्दी जाएं। तो भाइयों की तरफ अगर हो गया है तो आप लंगर शुरू कर दें, क्योंकि अपना तो काम चलता जाना है और आपकी खुशी हमारा लंगर है, आप खुश हो जाते हैं हम तो माला माल हो जाते हैं कि मालिक की औलाद को खुश कर लिया, और क्या चाहिए। एक दिल खस्ता रखे बाहू, ले सौवरियां थी इबादत हु, और हमारे तो करोड़ों खुश हो जाते हैं, कितनी इबादत हमें और आपको मिलती है ये तो बेपरवाह जी जाने की, करोड़ों खुश होते हैं, हमारा हर कार्य आपके लिए होता है, आपको खुशी देने के लिए होता है, ये आप देख ही चुके हैं, चाहे वो मैशअप है, चाहे वो टैलेंट की डॉक्यूमेंट्री है, चाहे मस्त मस्त रूहानी रूबरू नाइट्स है, चाहे एक्टिविटी हॉल में, या अब एक और चीज भी आने वाली है पर सरप्राइज रखेंगे आपके लिए, क्योंकि वो अच्छा रहता है, आप गैस कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं, क्योंकि आज सीधे ही चलने देते हैं सत्संग है, तो रोज ही आज भंडारा एक ऐसा सत्संग जो अलग तरह का हो, और आप हमें पूछ सकते हैं, बता सकते हैं कि वो क्या हो सकता है। इधर से कोई बता दें, पूछ के बच्चे कुछ शोर कर रहे हैं, जी और इधर और इधर के बच्चे कह रहे हैं मूवीज, पर उससे पहले कुछ और आएगा और वो लगभग तैयार होने वाला है, और हो सकता वो उससे भी अच्छा हो कुछ। अब देखो, चलो आप बताना, कोई बात नहीं, लिख के बता देना जिम्मेवारों, सात संगत को पता लगना चाहिए कि ऐसी चीजें यहां पे होंगी, और मूवीज का मतलब ये नहीं है कि हम कोई डुप्लीकेट करेंगे, अगर कोई मूवीज भी आई तो 100% रियल आएगी, वास्तविक आएगी, 100% सच होगा वो, ये आपको बता रहे हैं, उसमें 1% भी झूठ नहीं, उसको भी देखोगे तो सत्संग भंडारों जैसी खुशियां आया करेंगी, ये नहीं कि देख लिया पैसे लग गए खत्म, नहीं ऐसा कुछ नहीं, और आर्थिक तौर पर कमजोर उसको फरी देखा करेंगे, ये भी सच है। तो प्यारी सत्संग जियो, ऐसी चीजें आने वाली हैं, क्योंकि हमने जब पर्दा रखा है तो दो चार को पता है वो बता नहीं सकते, वो भी पर्दे में रखेंगे, उनको बोला हुआ है, बाकी किसी को पता नहीं है, वो चीजें ऐसी हैं, अब जिनको पता है उनका पेट में हाथी कूद रहे हैं कि मैं बता दूं, पर नहीं बता सकते क्योंकि वचन है, तो वो आपको बताएंगे जरूर, वो बन रही है चीज, तो जैसे आएगी सामने तो बताएंगे।
प्यारी सात संगतियों, तो ऐसी चीजें आपको रूबरू नाइट में एंकर कई बार एंकरिंग करते हैं, तो उनको हमने बोला था कि बेटा ये तो कुछ भी नहीं, और अभी तो ट्रेलर शुरू हुआ है, तो फिल्म का हिस्सा दिल्ली में आपने देख लिया, शुरुआत हो चुकी है। इनको था कैसा होगा क्या होगा, तो शुरुआत हुई है, और आगे आगे देखिए बेपरवाह जी करवाते हैं क्या, होता है क्या नहीं वो करवाते हैं क्या, हम तो कुछ नहीं जानते, तो वो करवाएंगे जरूर, ये पक्का है, और सबकी खुशी के लिए, पूरी दुनिया की खुशी के लिए, बुरा नहीं करवाएंगे, किसी धर्म जात मजहब के खिलाफ कुछ नहीं, ना पहले कभी हुआ ना आज कभी होगा और ना आगे कभी होगा, सब धर्म जात मजहब को जोड़ के चलते हैं और जोड़ के ही चलेंगे। तो आप चिंता ना किया करो, कई बार हम बाहर रहते हैं तो उसका मेन कारण यही होता है कि हम आपके लिए कुछ कर रहे होते हैं, कुछ ना कुछ लगे रहते हैं कैसे करें। जो बच्चों ने हमारे पास आके देखा है, सुबह से लेकर रात तक बैठे रहते हैं, वो आए दूसरे आए, दूसरे आए तीसरे आए, तीसरे आए चौथे आए, तो कई बार तो बस ये पानी जरूर है, किसी को लगा कांच की बोतल में पानी था, कहीं कुछ और तो नहीं था, नहीं नहीं पानी था, पानी पीते हैं हम ज्यादा, और आपकी खुशियों को देख के जीते हैं, आप खुश रहते हैं हमें बेइंतहा खुशी होती है, आप दुखी हो जाते हैं तो हमारे भी अंदर कहीं ना कहीं दुख रहता है कि इसके दुख को दूर करें, पर कई दुख आपके खुद के खरीदे होते हैं कि आप हमारी बात मानते नहीं, जो भगवान अल्लाह वाहिगुरु के वचन आपको बताते हैं आप उनको मानते नहीं, तो एक और दुख जुड़ जाता है, क्या करें इनका। अब इनको बता भी दिया है, ये तो जानकार भी है, बता दिया कि दलदल है, कहता मैं तो छलांग मारूंगा ही मारूंगा, बताओ क्या करें, फिर वो दुख आता है, तो फिर वो आपके कर्मों का है, अदरवाइज ऐसे कोई आने वाले आपके कर्म रोगों को सतगुरु मौला इतनी देर में काट देते हैं अगर आप हमारी बात मानते रहो, चुटकी में उड़ जाएंगे। तो प्यारी सत्संग जियो, कोई भी ऐसी बात आप पूछना चाहें पर्ची में जल्दी से लिख के दे दें, या आप बंगीदास आगे हो जाकर, भाई उसको नाक में पसीना आया हुआ है, वो नाक पहुंच रहे हैं, कोई बात नहीं बाद में पहुंच लेंगे, गिरता तो गिरने दे समान, तो आप पूछ लें सत्संग से कि क्या कहना चाहते हैं या हमसे क्या पूछना चाहते हैं। बहनों वाली साइड से आए हैं, पिताजी डांस करेंगे, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, अब वो कुछ हटके है, तो आप कुछ और भी, क्योंकि वो तो आपको बताएंगे टाइम पे, आपके अंदर एक अच्छा है, आप सुमरण करें भक्ति करें कि आपको पता चल जाए, अच्छी बात है जल्दी पता चले और आपको जल्दी खुशियां आ जाए, तो उसके लिए आप सुमरण करें और ज्यादा खुशियां आएंगी। और अब ऐसे आप कोई टॉपिक पे बात करना चाहें आप माइक पे बता दीजिए, जैसे बातें चल रही हैं, हम चाहते हैं एक ऐसा सत्संग रूहानी भंडारा हो जिसमें आप सत्संग से हटके, क्योंकि सत्संग तो आप डेली सुनते हैं, नाम वालों ने नाम ले लिया है, राम नाम से जुड़ गए हैं, तो हम चाहते हैं कि कुछ अलग हो इस भंडारे पे, ताकि एक अट्रैक्शन हो, एक अलग सी बात हो, आपको खुशी मिले और आपके दिल की तमन्नाएं पूरी हो, मन की तो नहीं होंगी वो तो पहले भी बताया है, आत्मा की पक्का होंगी, तो ऐसी कोई भी बात आप आगे जाके पूछ लो। वैसे एक तो आप खड़े नहीं दिखते, एक इसके पीछे खड़े हो गए और नहीं दिखता, तो इसलिए आप आगे जाएं बहनों के पास, पूछें उनसे कोई भी बात, कुछ आप पुष्पा अंदर चले जाएं, बीच में चले जाएं बेटा, कुछ आगे भी आ जाएं, इधर भी आ जाएं, चारों तरफ आप बोल दीजिए अगर कोई भी बात। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, सोनू प्रिंसिपल बॉयज कॉलेज से इन्होंने लिखा है, पिताजी एंट्री प्वाइंट पर आगे आने के लिए लोग लड़ते हैं हर सत्संग में, आप जी कोई ऐसा हल करें। कब? एंट्री प्वाइंट पर सत्संग में आगे आने के लिए लोग लड़ते हैं सत्संग जी, तो अब ये गेट कम है और अगली बार कोशिश करेंगे कि आने के तो दो तीन गेट ही होंगे और जाने के ज्यादा गेट हो जाएंगे, ताकि आप आराम से जा सकें, और कहीं भी सत्संगें होती हैं आने के कम जाने के ज्यादा गेट खोल दिया करें, ताकि सत्संग आराम से जाए, क्योंकि आने के कम इसलिए हैं क्योंकि सिक्योरिटी, हमने तो बोला था ज्यादा, तो सिक्योरिटी वाले कहते नहीं गुरुजी हम इससे ज्यादा नहीं करेंगे, तो इसलिए उनकी भी बात हमें माननी पड़ती है, वो भी बच्चे हैं आप भी बच्चे हैं और आप भी इस बात को समझते हैं और वो भी समझते हैं, तो जितने आगे उससे दुगने तिगने हो सकते हैं, बिल्कुल बेटा आशीर्वाद, और ये चीज आगे से ना आए। जिससे किसी और टॉपिक भी आप बात समझिए, किसी पे भी आप करवाना चाहें तो जल्दी से हम उस टॉपिक को चला लेते हैं, आपको बता देते हैं।
चलो आप जितनी देर में बताते हैं एक दो बातें आपको बताते हैं, आप ध्यान दीजिए बोलिए ना। आप जब खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद आपने देखा होगा हमारे भारत का एक कल्चर है, कुल्ली करते थे, पहले हाथ धो लिए अच्छी तरह, मुंह में पानी, फिर उंगली से, पर अब उंगली की जरूरत नहीं है, ब्रश है, सॉफ्ट लें और उसको हल्का हल्का खाना खाने के बाद मुंह में थोड़ा सा पानी भर लें, फिर ब्रश चलाएं होंठ बंद करके। तो जितने बार खाना खाओ उतने बार ब्रश चलाओ और दांतों वाले डॉक्टर के पास कभी ना जाओ, ये पक्का है। कुछ नहीं होता, गुड़ खा के, चॉकलेट बच्चे खा के छोड़ देते हो, अगले दिन तक मुंह में से फिर वो कुछ आता है, साथ वाला कहता है यार तू उधर बैठ जा, मैं तो चला, क्योंकि स्मेल भी आती है फिर बहुत। तो अगर आप डेली ऐसा करो, सुबह नाश्ता ले लिया ब्रश, ये नहीं कि गर्म चाय पी के और ठंडे पानी से ब्रश, नहीं ऐसा ना करें। अगर ऐसा तो 10-15 मिनट रुक के खाने के बाद, 10-15 मिनट रुक के रूटीन बना लें, तो आपकी ये कभी नहीं होगा। और कोशिश करें कि अगर जीभ अगर आपको साफ करने की जरूरत समझते हो आप, तो ब्रश से करो, उससे मत करो, उससे जख्म हो सकता है, जो जीभी होती है उससे मत कीजिए। ब्रश को यूं पकड़ो ऐसे, यूं यूं ऐसे बाहर की तरफ, अपनी जीभ बाहर निकाल के, कई आसन करवाते हैं ना जीभ, वो आसन मत करो, लेकिन जीभ निकाल के थोड़ा सा ऐसे 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 ऐसे, चलो जी हो गई जीभ साफ, तो वो सबसे बेस्ट तरीका है जीभ को साफ करने का। तो क्योंकि कई बार उससे करते करते लोग जख्म कर लेते हैं और वो एलर्जी हो जाता है, स्टील का है या रबड़ का है या कट लग जाते हैं, वो अच्छा नहीं होता। तो ब्रश से कट नहीं लगते, ये हकीकत। तो ये आपको दांतों के बारे में। और कईयों को होता है कि बहुत पसीने में से स्मेल आती है, बदबू आती है, होता है कि ये बदबू कैसे हटाएं, उसके लिए डीओ लगाते हैं, सीओ लगाते हैं, पता नहीं कौन कौन सा लगाते हैं। सबसे बेस्ट तरीका है कि आप जब नहाने जाते हैं, खाने वाले पानी में थोड़ा नमक मिक्स लें थोड़ा सा, और अच्छी तरह से नहाए काख में, यहां से आपको लगता है स्मेल आती, बिल्कुल सेंसिटिव एरिया पे मत लगाएं, लेकिन यहां ये चीजें सेंसिटिव है, पानी साथ के साथ डालते रहें, थोड़ा सा नमक, तो कुछ दिन नहाने से वो स्मेल आनी लगभग बंद हो जाती है। आप ऐसा कर सकते हैं, कई बार लोग पूछते हैं कैसे करें, और इस तरीके से कईयों की वो स्मेल इतनी जबरदस्त होती है कि आस पड़ोस वाले को भी सोने नहीं देती, तो ये जरूरी है। खुर्राटे बहुत आते हैं तो लेफ्ट साइड ऊपर रखो, राइट साइड नीचे रखो, और छाती पे हाथ मत रखो, ये पूरा ख्याल रखिए। जो दिल वाली साइड है, क्योंकि राइट साइड में तो वो वाला, अगर वैसे लेफ्ट में ही होता है तो वो वाला हिस्सा ऊपर रखें, हाथ ना रखें, इतने टेढ़े ना हो और प्रेशर ना दें, तो हमें लगता है काफी उसमें राहत होगी, काफी फायदे होंगे। और फिर भी नहीं बंद हो रहे तो आप स्पेशल डॉक्टर की राय जरूर ले लें, कहीं कोई बीमारी का न्योता ना हो जी। तो ये ध्यान रखने वाली बातें हैं। तो कोई टॉपिक अगर आ गए हैं तो बता दीजिए, शोर मत कीजिए, सेवादारों पानी पिलाओ, खाना खिलाओ, खाना आ रहा है आप आराम से बैठ के खाना खाइए। और यहाँ भाई बहुत बैठे हैं, 25 मेंबर अगर हिम्मत करें तो इन भाइयों को बैठने की जगह बना दें, क्योंकि बहुत शायद मुश्किल तो नहीं आपको बेटा, खड़े ठीक हो, ठीक हो, ये जवान है क्या परवाह है इनको, शाबाश। इधर बहने भी हैं, आप भी ठीक हो, परेशान तो नहीं कोई, ठीक है। ये भी कहते हम भी कम नहीं, तो वाकई हमारे लिए तो बेटे बेटियां सब जवान हैं, जो बचनों पे चलते हैं वो और जवान हो जाते हैं जी। बोलिए अगर आई है तो कोई बात। धनन सतगुरु तेरा यात्रा सतब्रह्मचारी छवादार सुधराम जी और गुरुप्रीत जी ने भेजा की आत्म कथा वाला ग्रंथ के बारे में ये पूछ रहे हैं जी कि कब आएगा जी। आत्मकथा का जो ग्रंथ है, हकीकत आपको झूठ नहीं बोलते, सच बताना है, बिल्कुल हम नहीं लिख पा रहे आज तक, उसको वहां खड़ा है वहीं खड़ा है, टाइम नहीं मिला तो इसलिए उसको लिख नहीं पाए हैं। टाइम मिलेगा तो जरूर लिखेंगे, आप टेंशन बिल्कुल ना लीजिए, क्योंकि ऐसी ऐसी चीजें होने लगी हैं कि उसके लिए हमें टाइम नहीं मिल पा रहा। और उसकी जो बातें हैं अगर आपको अभी बता देंगे तो फिर ग्रंथ में क्या पढ़ोगे, उसकी बातें भी आपको बताएंगे, लेकिन ग्रंथ तो आ जाने दो जी। धनन सतगुरु तेरा यात्रा और आदरणीय साहबजादी बहन अमरप्रीत जी ने भेजा है कि गुरु गद्दी से पहले की वीडियो भी दिखाई जाएगी जी।
हाँ ठीक है बेटा, काफी वीडियोस हैं और कोशिश करेंगे कि उसको जुम्मेवार लेके आए और उनमें से जो ऑडियो वीडियो राजेश है, पांडे हैं, पांडे जी हैं, सज्जन है, दीपन है, ये लोग, तो आप कोशिश करो वहां से वीडियो मंगा सकते हैं और उनकी एक डीवीडी बनाओ तो वो भी दिखाएंगे जरूर। साथ संगत का ख्याल है तो वो भी दिखाएंगे। और बहन वंदना ने ये भेजा है कि पिताजी की 3D वीडियो क्लिप्स भी आनी चाहिए। हैं जी, 3D वीडियो क्लिप्स भी आप जी की आनी चाहिए। जी ये भी जिम्मेवार नोट कर लेंगे। और राममूर्ति जी प्रधान की वाइफ ने, इन्होंने भेजा है कि चटनी जो आप जी ने खिलाई थी उसका नाम बता दोगी। अब चटनी का नाम तो हमने वहां लिखा था और क्योंकि वो ताजा ही नाम रखा गया था और बच्चों को शायद, हमारी बेटियों को शायद पता हो, ये पास में थे तो पर्ची लिख के लिखवा के भेज दें भाई, कोई जुम्मेवारी नहीं है। आप जाओ बेटा सिक्योरिटी वाले पर्ची में लिखवा के ले आओ तो पर्ची, हमने नाम बोला है अभी बता देते हैं आपको। आप वो जो चटनी है और प्यारी सत्संग जी, वो सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है उसमें, क्योंकि ना तो उबाला गया है ना ही उसको तला गया है, बिल्कुल कच्ची है और कच्चा फल फ्रूट जो नेचर हमें देती है, नेचर के अकॉर्डिंग हम अगर खाते हैं तो उसका फायदा बेइंतहा होता है और शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। तो आपको अभी नाम बताएंगे क्योंकि इन तीनों बेटियां वहां तब थे और इन्होंने। हाँ जी, और एक और पर्ची है कि आदरणीय शाही परिवार जी की तरफ से है कि इसी पंडाल में रूबरू नाइट की जाएगी। जी इसमें थोड़ा ये दिक्कत आ सकती है कि शेड के नीचे आवाज गूंजती है, इसका अगर कोई सोल्यूशन मिलेगा तो फिर देखेंगे क्योंकि ये पंडाल बहुत बड़ा है और अब तो स्टेडियम भी 3 मंजिला हो जाना है, वो भी काफी बड़ा हो जाएगा, पर फिर भी ये भी अच्छा है कि ये काफी बड़ी जगह है। तो जिम्मेवार नोट कर लें, अगर इसमें आवाज के गूंजने का थोड़ा कोई तरीका मिल जाए, वैसे तो ये लगाया गया है फाइबर। सत्संग जी आवाज समझ में आती है आपके? अब पहले तो आपसे, हाथ खड़ा ना करो, जिन जिन को समझ आ रही है वो हाथ खड़ा करो, ये तो सबको ही समझ आ रही है, हाथ नीचे कर लो। स्पीकर वाले वैसे शोर करते रहते हैं, समझ नहीं आती, एक भी हाथ, जिनको नहीं समझ आ रही वो हाथ खड़ा करे, जिनको समझ नहीं आती। इस एरिया में शायद स्पीकर नहीं है, इस एरिया में और इस एरिया में देखो, दोनों इधर नहीं समझ आ रही, बाकी सब जगह समझ आ रही, तो इधर साउंड का कोई सिस्टम करो आप, इस साइड में और इस साइड में। जी ठीक है बेटा, ठीक कर देंगे, आप बैठ जाएं। जी जी, तो ये लिख लें भाई स्पीकरों वाले, तो इस साइड में समझ नहीं आती, तो ये सुझाव भी नोट कर लें, कभी मस्त मस्त रानी रूबरू नाइट यहां हो जाएगी क्योंकि साउंड उस तरीके से लगाएंगे और साउंड और लेके आएंगे, वो साउंड कम पड़ गया है तो वो साउंड जिन्होंने पहले मंगाया था वो संपर्क करें, जो पहले लेके आए थे जिन्होंने कंपनी से बातचीत की थी, तो वो सज्जन हमें हो सके तो हॉल में मिलना, जिन्होंने पहले इटली की कंपनी से वो बातचीत की थी, साउंड वाले भी आ जाएं साथ और वो लोग भी आ जाएं ताकि वो किया जा सके। जी तो वो चटनी का नाम जो हमने एकदम रखा था तो वो था, ध्यान से सुन लीजिए, शोर ना करें तो समझ आ जाएगा, उसका नाम था मेवा क्वीन, फ्रूटों की रानी, मेवा क्वीन उसका नाम था। तो ये आप नोट कर सकते हैं और उसमें शायद 7 चीजें डली थी ख्याल में, नहीं 7 या 9, तो ये वो चटनी थी जो हम परमपिता शास्त्र नाम जी दाता रहकर अपनी जान को खिलाया करते थे। और एक बार फर्स्ट टाइम जब हमने ये खिलाया तो उन्होंने बोला था कि भाई किसने चटनी बनाई, पता करवाया, कहते स्वाद तो बेहद थी पर इतनी ज्यादा मत बनाया करो क्योंकि हमने तो रोटी नहीं खाई, अकेली चटनी खाई। तो हमने वहां भी सत्संग में ये बोला था कि एक मुरीद के लिए इससे बढ़ के और क्या हो सकता है, और हम बदल बदल के डेली खुद बनाया करते थे, अपने हाथ धो के और कुंडा को उठना तो हो गए क्योंकि उस समय में
मिक्सी मुक्सी हमने इतनी यूज नहीं की, तो वो घोटने से बना के एक छोटा सा कमरा होता था मस्ताना धाम में, छोटी सी रसोई बाहर के साइड में, तो वहां जाके उसको बना के अच्छी तरह से और फिर अपने हाथों से बेचते थे। तो उसी में एक ये चटनी थी जो उस दिन खाई थी सारी साथ संगत ने। और वाकई बेपुरा जी के वो वचन हमें स्टेज पे याद आ गए। जब हम खुद खाना खाने लगे तो हमने सोचा काफी होगी, हमने दो गौर में इस चटनी खा ली और बाद में देखी चटनी तो है ही नहीं, ना कोई पूछने आया और ना ही हमने मांगा, और क्योंकि साथ संगत को नहीं मिलती तो हमें कहां से, तो हमें भी वैसे खाना था। तो बड़ा ही अच्छा लगा वो कि इतनी स्वादित वो बेपुरा जी के वचन याद आ गए कि हमने तो अकेली चटनी खाई और वाकई हमने भी वो अकेली चटनी खाई, कौर तो खानी भूल गए। सो बेपुरा जी की रहमत, तो वो चटनी थी इस तरह से। जी इधर नहीं कोई आया बहनों वाले, पता नहीं किस कहते 12 वर्ष ही घटन गया, ये तो 12 वर्ष ही चले गए, इधर से आ रहे हैं और वो एक भी नहीं आया वापिस, कोई बता नहीं रहा माइक पे आके और कोई बोल नहीं रहा, यहाँ उधर जो गए हुए हैं तो वो वहीं के वहीं हैं। इतना भी मत जाओ कहीं दूर तक, एक तो खुद नजर नहीं आते, कहीं तो इतने छोटे हैं। जी बोलो बेटा। आईपी विंग से पूजकता जी, आप जी की ड्रेस फैशन वीक में जानी चाहिए और आप जी रैंप वॉक भी करें जी। हाँ आपकी ड्रेस जो चाहते हैं बच्चे की वो फैशन वीक में जाए वो तो ठीक है, रैंप वॉक वो नहीं हो सकता, वो मुश्किल है। हम स्टेज पे चलते रहते हैं, हमारा तो वही चलना अपना अंदाज है, शासत नाम शाह मस्तान जी दाता ने बख्शा, हम उसको तोड़ फोड़ना बहुत मुश्किल है, तो वो हमारा अंदाज है, धीरे चले तेज चले कई तरीके से चलते रहते हैं, तो वो तो मुश्किल है। हाँ फैशन आप वीक में वो ले जाना चाहते तो वो क्योंकि वो ड्रेस साथ संगत को दे देते हैं, आप उनसे मंजूरी लेके ले जा सकते हैं। जैसे अब कईयों को वो ऑरेंज ड्रेस बहुत पसंद आई थी, जो 101 में फर्स्ट सेकंड ड्रेस थी शायद, तो वो बहुत ज्यादा पसंद आई थी, वो हमारा डिजाइन किया हुआ था एक एक चीज, और पहली ड्रेस भी तीसरी भी, वैसे तो सारे हमारे डिजाइन किए हुए थे, हमारी बेटियां मिलकर ये सब लोग कार्य करती हैं, तो बड़ी खुशी होती है। तो वो आप उनमें से जो भी ड्रेस आपको लगे और वो जिन सेवादारों के पास है उनसे परमिशन लेके, क्योंकि हम तो उतारते जाते हैं और वो सेवादारों को देते जाते हैं कि ले लो भाई, तो वो खुशी में लेते जाते हैं और वो खुशियां लेके घर चले जाते हैं, तो वो ड्रेस उसी टाइम दे दी जाती है, हमारे पास नहीं होती, बस उसी टाइम आती है, हमारे पास तो मेहमान की तरह आती है और चाय पानी पी के चली जाती है वो ड्रेस, क्योंकि बनने में टाइम लगता है, बन बना के आती है, हम उसको देखते हैं एक बार पहन के, अच्छा फिट तो है, कई बार पहनती नहीं, वहीं पहनते कि फिटी होगी, तो बस वो पहन ली, आपके सामने आ गए, अंदर गए फटाफट उतारी, अटैची में डाली और अटैची सुर पार, तो एक आता जाता मेहमान होती है, पर वो ऐसा मेहमान होती है जिसके घर में जाती पता नहीं कौन सी खुशियां वो साथ लेके जाती है और कौन सी रहमतें उन पे लुटाती है, ये तो पाने वाला जाने या देने वाला जाने, दूसरे को क्या पता। तो ये आप उन सेवादारों से पूछ सकते हैं, आईटी विंग वालों आप फैशन में लगा सकते हैं, लेकिन उस श्रद्धा से जैसे वो चाहेंगे या उनको साथ ले जाके, क्योंकि उनकी श्रद्धा उसी तरीके से आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। पूजकता जी चटनी की रेसिपी के बारे में काफी परेशानी है जी, इसकी रेसिपी क्या थी? रेसिपी हम आपको दे देंगे कोई बात नहीं, लेकिन आप क्या वैसी बना पाओगे ये थोड़ा मुश्किल है। हाँ रेसिपी उसमें प्याज थे और टमाटर थे, वहां भी बोला था हमने, लेकिन पूरा गिनती रेशो जो है वो हमने लिखवाई थी, तो शायद उस समय वो शायद बच्चों को ये लिखवाई थी या किसको लिखवाई थी याद नहीं, या बबलू जी यहाँ हैं तो उनको पर्ची लिखे ना, कितने कितना था किलो के हिसाब से आप बता दें, रेशो कितना कितना था, इनको लिखाया था तो वो वैसी ही बनी, तो आपको वो रेशो बता देते हैं, आप घर में बनाएं हमें तो और खुशी है, क्योंकि हम थोड़े ना चाहते वो वाले नहीं है कि छुपा लेंगे, हमारे होटल पे आएंगे तो हमें खिलाएंगे रेसिपी नहीं देंगे, ऐसा कुछ नहीं। जी बहनों की साइड से बहन शीनम, इनकी तरफ से परिचय है कि पूजकता जी आप जी अपनी खूबसूरत उंगलियों में अंगूठी भी पहना करें जी, जैसे गुरुगद्दी से पहले पहनते थे। जी देखेंगे बेटा, और इधर इधर भी कुछ बताना अपने तो बोले। दंदन सतगुरु तेरे आश्रम पूनम इंसान, माइक की तरफ मुंह कर ले, मुंह ना माइक की तरफ करना होता है जी, आवाज थोड़ी कम रखें भाई। पूनम इंसान और गुरु ब्रह्मचारी ज्योति इंसान की तरफ से आप जी की रेसिपी बुकलेट आनी चाहिए जी। नहीं वो बातें नहीं, जो हम कहना चाह रहे थे आप कोई भी समझ नहीं पा रहा,
हम चाह रहे थे कि अभी कोई टॉपिक पे हम बात करें, आपको बातें सुनाएं, कुछ ऐसा टॉपिक हो ये आनी चाहिए, ये तो सुझाव है, ये तो बाद में भी ठीक है, आपने बोला है, अच्छा सुझाव है, ये लिख लिया जाएगा, नोट कर लेना, अभी रेसिपी बुक आनी चाहिए तो ठीक है। आप जी की बटरफ्लाई ड्रेस के बारे में बताओ जी, आप जी ने उस राउंड में इतनी छोटी सी जगह में बैलेंस कैसे बनाया था जी? जी तो ये जो बटरफ्लाई तो नहीं थी, वो परी या परी की ड्रेस थी, इन्होंने तितली बना दिया उसको, तो वो उस तरह की थी कि फरिश्ते की ड्रेस थी, वो बटरफ्लाई नहीं थी, क्योंकि बटरफ्लाई के इतने पंख नहीं होते, वैसे आप देख लेना कभी बटरफ्लाई बहुत घूम रही है, तो वो जो ड्रेस थी वो फरिश्ते की, तो उसको बड़ा मुश्किल था उसके साथ चल पाना, एक तो गाड़ी उस ढंग से नहीं चला रही थी, और हमें एक घुटने पे बैलेंस किया हुआ था, सिर्फ एक घुटने पे, और एक पैर दूसरा वो पीछे बैलेंस किया हुआ था, और वो कम से कम 5 फुट या 6 फुट ऊंचा होगा, हमें ध्यान में नहीं क्योंकि नापा नहीं, वो इतना हाइट पे था, और वो हाइड्रोलिक पंप पे था, हल्का हल्का वाइब्रेट होता था, ज्यादा नहीं, वो गाड़ी के साथ यूं, तो वो बेपुराज की रहमत थी कि हमने एक घुटने पे अपने पूरी बॉडी का बैलेंस करके, क्योंकि हाथ तो ऐसे कर रहे थे, तो एक घुटने पे और एक हल्का सा पैर लगाया हुआ था, तो उस पे बैलेंस करके ही वो आपकी सेवा में आए थे, बेपुराज लेके आए थे, वरना बहुत मुश्किल था उस पे ऐसा कर पाना, ये उनके रहमो करम से था। आप जी की कोई ऐसी वीडियो रिलीज हो जिसमें आप जी के पूरे दिन का, इतनी आवाज भी कम ना किया करो भाई, हमें भी नहीं सुन रहा, ये स्पीकरों वालों आपको बोलो। आप जी की कोई ऐसी वीडियो रिलीज हो जिसमें आप जी का पूरे दिन का रूटीन सुबह से शाम तक का आए? वैसे तो टैलेंट वीडियो में हमारा वो चीजें आ रही हैं, अभी एक टैलेंट वीडियो आएगी जो पूरी, ये तो 30 मिनट की आपको दिखाई है, जो बच्चों ने बनाई थी वो 3 घंटे की है, तो आप सोच सकते हैं बाकी कितना कुछ रह गया है, अभी तो आप 30 मिनट देख पाए हैं, इन्होंने कोशिश की है उसमें कांट छांट के उसमें डालने की, लेकिन हमें लगता नहीं कि ये पूरा उसमें डाल पाए हैं, बहुत चीजें उसमें रह रही हैं, तो उसमें बहुत सी चीजें आएंगी ऐसी, आप ये भी बच्चे भी कुछ शोर मचा रहे हैं, उनकी भी सुने, आप बताएं भाई। धनन सतगुरु तेरा यात्रा सुझाव, इतनी आवाज उस माइक की भी रखा करें, और तो कोई तरीके से बता नहीं, माइक इधर उधर कर लो ना जी, सुझाव ही है पिताजी सारे, आप ऊंची रखें आवाज, उनकी कम नहीं करने को कहा, बोलो भाई जी। पिताजी ये सुझाव है पिताजी? नहीं सुझाव नहीं, सुझाव नहीं, तो हम चाह रहे थे कि जैसे हमने आपको अभी ब्रश के बारे में ऐसी चीजें बताई थी, कोई आप टॉपिक चुन लेते हम आपको बताते, और इस दिन उस तरह के टॉपिकों पे सत्संग हुआ कर तक तो ज्यादा अच्छा था, लेकिन आप तो किसी और तरफ चल पड़े, चलो कोई बात नहीं, फिर भी हम देखते हैं कि क्या आप वैसा कोई आएगा सुझाव, उस तरह की बात आएगी, तो प्यारे सत्संग जियो, रूहानियत में सूफियत में एक बात सबसे बढ़ के होती है, गुरु पीर फकीर के वचन सुनना सबसे अहम और जरूरी बात होती है, वचन, क्योंकि फकीर के वचन नहीं होते, वचन वाहिगुरु अल्लाह गॉड खुदा राम के होते हैं, इसलिए वो अनमोल होते हैं। हम जो आपको बोल रहे हैं, अगर कहो माइक के वचन है तो क्या ये माइक के हैं? नहीं, हम बोल रहे हैं तो ये बोल रहा है, उसी तरह फकीरों के अंदर जैसी मालिक का ख्याल आता है, जैसी में आवे खसम की बाणी तैसड़ा करी ज्ञान बिलालो, जैसा भगवान ख्याल देते हैं वो आपको बोल देते हैं, उसी तरह भाई सबसे अहम जरूरी बात होती है वचन को सुनना, बिल्कुल चुपचाप बिना शोर शराबे के, और इस अहम को और अहम बना देता है वचन सुन के अमल करना, जिंदगी में अपना लेना। कई बार होता है वचन मानने में मुश्किल आती है, कई तरह के बुखार जैसे मलेरिया या और होते हैं, हमारे टाइम की हम बात करते हैं, उस समय कुनैन देते थे, कुनैन लिक्विड होती थी, पानी जैसी, बिल्कुल लिक्विड, लेकिन हमने एक बार पी है वो कुनैन, सिर्फ एक बार, वो मालिक जाने क्या वजह थी, वो उसकी भी कोई वजह थी, वो आपको ग्रंथ में आएगा। तो वो कुनैन जब हमें पिलाने लगे तो माता जी ने, बापू जी ने दूध ऐसे बना दिया जैसे शरबत, इतनी चीनी डाल दी उसमें क्योंकि तो छोटे थे, और जैसे वो कुनैन पी, इतनी कड़वी थी, इतनी कड़वी,
हमने पंजाबी जी कहते कौड़ तुम्मा, राजस्थान में आम होते थे वो भी खाए हैं, कोई खास बात नहीं, लेकिन कुनैन सबसे ज्यादा कड़वी थी और उसमें फटाफट ठंडा दूध पिया वो, लेकिन जुबान से कड़तन गई नहीं दो दिन, इतनी ज्यादा कड़वी थी। तो वो कुनैन कड़वी होती है लेकिन पीनी पड़ती है। क्यों पीनी पड़ती है? क्योंकि वो बुखार को उड़ा देती है। उसी तरह संतों के वचन कई बार कड़वे लगते हैं, अच्छे नहीं लगते, बिना नमक मिर्च के लगते हैं, बकबके लगते हैं, लेकिन आप खा लीजिए चुपचाप, यकीन मानिए कुनैन तो एक रोग तोड़ेगी, फकीर के वचन जन्मों जन्मों के रोग तोड़ देते हैं। आप मान लिया करें, हाथ जोड़ के विनती है, आप मान के तो देखिए मजा कितना आता है। अरे हमने वो देखा है सब, वो आनंद आता है, वो लज्जत आती, बातें आपसे कर रहे हैं और दिख हमें हमारा खसम रहा है सबके अंदर, क्या बताएं आपको कैसा मजा आता है। आप कहते हैं हमारी आंखें मीठी हैं और हम कहते हैं जो खसम नजर आ रहा है उसने बना दी मीठी है, वरना हमारी कोई मीठी माठी नहीं, क्योंकि उसकी अक्ष पड़ रही है हमारी आंखों में और वो आंखें आपको देखती हैं, इसलिए शायद आपको अच्छी लगती हैं, वरना तो आंखें सिर्फ आंखें हैं, इसमें वो खसम जब आ जाता है ये आंखें ही कुछ और आंखें हो जाती हैं। और प्यारी सत्संग जियो, दूसरी बात रूहानियत की ये होती है, फकीर जब निगाह मारता है उसको सत्कार से आदमी ले ले, क्या होता है सेवादारों में होता है कि पिताजी ने इसको तो देख लिया मुझे नहीं देखा, यार इसको आशीर्वाद मिलता है मुझे नहीं मिलता, आप इसी चक्कर में रह जाते हैं। अरे सतगुरु अल्लाह वाहिगुरु राम चाहे आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, सिर्फ आपको नहीं, वो मालिक चाहे ये आशीर्वाद सारी त्रिलोकियों में चला जाता है। आप सोचते हैं सिर्फ आप तक ही आया या उस तक आया, इधर निगाह तो क्या हुआ, क्या पता ये कहां कहां चला गया। जैसी श्रद्धा, तो फकीर जब निगाह मारता है उसको आप सत्कार के साथ ग्रहण करें। ये रूहानियत की बहुत गूढ़ बातें हैं, आज सत्संग में बता रहे हैं, वैसे ये सेवादारों वाली बातें हैं कि जो इसके खास आशिक होते हैं ये उनकी बातें हैं, कि वो आंखें को अगर आप उस तरीके से श्रद्धा विश्वास के साथ अपना लेते हैं, महसूस कर लेते हैं, तो पता नहीं वो निगाह भी क्या से क्या दिलवा दे और कौन सी खुशियों से आपको मिलवा दे। ये रूहानियत सूफियत की बात है। अब आप कुप्पाराम बने बैठे हैं तो आंखें तो चल रही हैं, लेकिन आपका कुप्पा ही ठीक नहीं आ रहा। कई बैठे होते हैं, हमें अपने मां बाप की तरह सब लोग मानते हैं, आप मां बाप से लड़ भी लेते हैं, लेकिन जब सत्संग होती है तब सिर्फ गुरु होता है, तब मां बाप नहीं, सिर्फ गुरु के रूप में, बाकी कौन से रूप में वो जैसे जिसकी आंखें, पर गुरु के रूप में फकीर होता है। उस समय कोई गुस्सा या ऐसी बातें शो मत किया करो। हाँ वैसे हैं, हम घूम रहे हैं, सेवा करवा रहे हैं, चल रहे हैं, या आप अपने अकेले में सुमण कर रहे हैं तब कुप्पाराम बन जाते हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि हमारे साथ होता रहता है, कोई कोई फोटो के साथ लड़े जा रहा है, कोई वैसे ही लड़े जा रहा है सुमण करके, कोई बात नहीं, वो जायज है, आप कर सकते हैं, क्योंकि अपने माँ बाप से नहीं लड़ोगे तो किससे लड़ोगे, और से मत लड़ना, वो हो जाता है थोड़ा थोड़ा, आशिकी में ये भी चलता है, लेकिन जब गुरु पीर फकीर के रूप में आप उसको देख रहे होते हैं तब अपना गुस्सा या ऐसी चीज कुछ किसी भी एक्शन में आपके नहीं आनी चाहिए, वरना वही आपको और मिलेगा जो आप सोचे जा रहे हैं, तब तो आप खुश रहें कि हाँ भाई मैं अपने गुरु से खुशियां हासिल कर रहा हूं, मालिक मुझे और खुशियां दे और दया में रहमत से नवाजे। तो ये रूहानियत की गूढ़ बातें हैं, इसको मानने में कई भाई नए आए हैं, बहने नई आई हैं, चलो आपके भाग्य हैं जो आप इस भंडारे पे आए और आपकी इतनी गूढ़ बातें सुनने को मिल रही हैं, वरना राम नाम की ये वो कोथली है जो ग्राहक के सामने खोली जाती है, जो जानकार होते हैं, ये अगर दूसरे शब्दों में कि एमए एमएड की पढ़ाई है जो नर्सरी वाले भी आज पढ़ रहे हैं, रूहानियत के अनुसार सूफियत के अनुसार। तो प्यारी सत्संग जीव, हम चाह रहे थे इसी तरह की कुछ भी, ये रूहानियत है, कोई दुनियादारी की बात, ऐसा कोई टॉपिक आप हमसे चलवाएं और आप सुझाव देने शुरू हो गए, नहीं वो नहीं, कुछ ऐसी चीज अगर आप बता पाएं तो अच्छा है। इधर शायद कोई आया भी है जी। यात्रा धनन सतगुरु तेरा यात्रा, सत ब्रह्मचारी सौदार किशोर जी ने लिखा है कि चेहरे और बालों की संभाल कैसे की जाए। जी
चलो ये भी टॉपिक है, अच्छी बात है। चेहरे की संभाल गर्मियों में एक ही तरीका है, सबसे बेस्ट। जब भी आप बाहर से जाते हैं 5-10 मिनट रुक के ठंडे पानी से चेहरा धो लें, जितना का ठंडा, बर्फ वाला तो नहीं, कहीं नजला हो जाए और बाद में हमें लड़ते रहो पिताजी ये क्या हो गया। जिनको जुकाम ज्यादा रहता है वो ज्यादा ठंडे से ना धोएं, जो नॉर्मल है। सबसे बेस्ट तरीका है अपने फेस को सही रखने का इस दिन में, जब भी आप कहीं बाहर जाते हैं कोई भी रुमाल थोड़ा भीगा हो प्लास्टिक में डाल के ले जाएं, जब भी धूप लगे, लू का टाइम आ रहा है, तो उस रुमाल को, छोटे टावल को निकालें। हालांकि हम ऐसा नहीं करते, कहीं आपको लगे हम जेब में रखते हैं, हम आपको बता देते हैं। कई बार हमारे बेटे बेटियां लड़ा करते हैं, पापा जी आप हमें तो बता देते हो, खुद इस्तेमाल ही नहीं करते। हमने कहा बेटा हमारी बात छोड़ो, तो कई बार ये फिर हमसे सुन के वो चीजें ये लेके जाएंगे साथ, हाँ पापा जी ये लो रुमाल, अरे क्या करना है, आपने कहा था लगाना है, तो उसको क्या करना है, जैसे लू लगना है या गर्मी लग रही है, रुमाल निकालिए, फेस पे लगा लीजिए, पूरे फेस पे, आंखें बंद कर लीजिए। तो लू से बचने का इससे बढ़िया तरीका कोई नहीं है। लस्सी छाछ पीजिए, वो भी लू से बचा लेता है। और ठंडी कोई भी चीज, आपके आप एसी लगे हैं, मालिक ने बहुतों के लगा दिए, सत्संगी बताते हैं पिताजी आपने लगाया, हम के घर घर में एसी आ गए हैं, तो जी जी सत्संगत हाथ खड़े कर रही है, तो यहां से हाथ खड़ा कर ही दें फिर, जिनके एसी लगे हैं पहले नहीं थे, बहुत सेवादारों के, बहुत सत्संगतों के एसी लगे हैं, कूलर लगे हुए हैं, कूलर तो लगता है सबके ही होंगे, कोई ही सेवादार बचे होंगे जी, बाकी आशीर्वाद, और जिनके नहीं लगे उनके भी लग जाए, मालिक ऐसी रहमत करे। पर आप लगा लेना, पैसा एसी का आया कहीं खा ना जाना उसको, कहीं मालिक ने भेजे और आप बच्चों को चले, बिजली का बिल कौन भरेगा, जिसने एसी लगवाया वो बिल भी भरवा लेगा। तो यहां आपके घर में बर्फ है या कोई भी चीज है ठंडी, तो वो बेस्ट होती है फेस के लिए कि आप उसको लगाएं, पैसा भी नहीं लगता और इससे बढ़िया तरीका भी नहीं है। पर ठंडा पानी जितना 3-4 बार रात को सोते टाइम नाक की बुई, नसवार हमने बोला, वो नसवार नहीं लेनी आपने, पानी की नसवार, पानी को अंजलि में भर लिया, ऐसे पानी डाल लिया, डाल के यूं और एक नाक बंद करना है, इतना सा खींचना है बस, फिर उसको बंद किए कि बाहर निकाल देना पानी को, फिर इधर ऐसे। तो ये रात को अगर कर लो तो जुखाम नजला बहुतों का ठीक हो जाता है, वो होता नहीं, क्योंकि हमारी बॉडी रात को रिपेयर करती है, और इससे क्या है हमारा फिल्टर साफ हो जाता है, नाक के अंदर बाल होते हैं बहुत सारे, आजकल के नौजवानों का बस नहीं चलता, वरना नाक के बाल भी उड़ा दें सारे। इन बच्चों ने हमें दिखाए हैं वो, ठीक है बाल कोई बाहर आ रहा है तो उसको काट लो, पर वो जंतर ऐसा होता है, ऐसा उंगली जैसा, हमें लगता है अगर ज्यादा अंदर ले जाओ तो वो अंदर के फिल्टर को भी उड़ा देगा। बाहर बाहर की तो कोई हर्ज नहीं, जरूरी नहीं है कि बाहर गैंडे की तरह निकाल के रखने हैं या हाथी दांत की तरह बाहर निकले, वो भी अच्छा नहीं, उनको तो काट के रखो, लेकिन इनको साफ करके रखो। ये ऐसा फिल्टर है जो आपको बहुत सी बीमारियों से बचा लेता है, अस्थमा है उसमें बहुत फायदेमंद है। पानी वैसा लो जो आप सहन करो, गुनगुना पानी, बहुत ज्यादा ठंडा ना हो, गुनगुना पानी सबसे बेस्ट होता है, तो रात को वो करें, और वो पानी वाला ब्रश सोने से पहले कर लें, सब खाने के बाद में कर लें और फिर सो जाएं, तो बहुत सारे फायदे आपको होंगे। और बालों की बात, हड़ बेहड़ा आंवड़ा सबसे बेस्ट होता है, बालों पे बहुत सी चीजें हैं, दोमट माटी जो होती है उसको ठंडी करके बिल्कुल बारीक पीस के पानी में रखे, तो उसका पूरा लेप कर लें सिर पे, और जब धोने लगे तो हाथ ना मारें, वो माटी को प्रेशर से आपको धोना पड़ेगा, जिनकी टूटियां हैं टूटी के नीचे रख लें सिर थोड़ी देर, ऐसे कर लें और वो सिर पे पड़ेगा, तो अपने आप माटी जब गिल्ली होगी फिर वो धीरे धीरे बिल्कुल गिल्ली हो जाएगी, फिर धीरे से हाथ मार के धोएं, क्योंकि पहले हाथ मार लिया तो बिल्कुल गंजाराम भी हो सकते हैं, क्योंकि वो इतना लेप तेजी से जम जाता है कि उसको छेड़ना नहीं चाहिए जब तक कि वो अपने आप गिरने ना लग जाए, बिल्कुल गिल्ला कर लें, तो वो भी बहुत अच्छा होता है बालों के लिए भी। बाकी सरसों का तेल है, लेकिन जिनकी ऑयली स्किन है उनको तेल कभी नहीं लगाना चाहिए, उनको तो डेली सिर नहाना चाहिए, क्योंकि ऑयली बाल होते हैं, ऑयल ज्यादा आ जाता है, उनको कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऑयल की बोतल भरी है उसमें और मसाज कर दी, इसमें और दो ढक्कन डाल दिए तो उल्टेगा ही, उसमें फायदा क्या होगा, तो उसको साफ करते रहेंगे तो नेचुरली, तो उसको आप कर सकते हैं, पर केमिकल कम से कम यूज करें सिर धोने में, वो फायदेमंद है जी।
धनन सतगुरु तेरा ही आसरा सतब्रह्मचारी चौधरी राकेश जी ने लिखा है कि कहीं भी आप जी टूर पर जाते हैं पहली बार नई जगह पर, चाहे वहां पर नाम वाले हों या बिना नाम वाले, वो आप जी पर एक झलक में ही कैसे मोहित हो जाते हैं। ये सब बेपरवाह जी का रहमो करम है, उनकी दया में रहमत है। आप बैठ जाए भाइयों, आप बीच में क्यों खड़े हो गए? अरे सबके फायदे की आप यूथ भी पूछ सकते हैं, यूथ ने कुछ पूछना है तो वो भी पूछो, पर बैठ जाओ। ये सबके फायदे की बातें हैं और ये सत्संग है रूहानी। आपको कोई दुनियावी बात नहीं सुनाएगा सत्संग में, ये रूहानी भी है और दुनियावी भी है, ताकि आपके दोनों काज समर जाएं। एक नहीं यही शाम मस्ताना शाह सतनाम जी दाता ने सारी दुनिया से अलग रूहानियत का ये दर बनाया है। यहां दुनियावी काज भी समरते हैं और रूहानी काज भी समरते हैं। तो आप ध्यान से सुने और बैठ जाए जी। इसमें आप प्याज लिखना भूल गए, प्याज की रेशो डाली है ऊपर जी, डाली है, डाली ऊपर डाली है जी। जी जी बोलिए। डॉक्टर दिलावर जी इंसा और 25 मेंबर सिकंदर जी, इन्होंने लिखा है कि ड्रेसिंग सेंस के बारे में कृपया बताएं कि किस ओकेजन पर कैसी ड्रेस पहनी जानी चाहिए, और पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए भी बताएं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट की तो ये बहुत जरूरी है कि आपकी बॉडी फिट रहे। शरीर फिट है तो हर कपड़ा फिट है। अगर तौड़े वर्ग का कड्डी फिर दे उत्ते जेड़ा चीज मर्जी पालो भगतों की, उसने अलग ही चलना और आपने अलग ही चलना है। दो दो चलेंगे, अगर लेटोगे तो भी साथ किसी को लिटाने की जरूरत नहीं, वो खुद ही लेट जाएगा साइड में। तो ऐसा ये आपको एक्सरसाइज अति जरूरी है। पानी ज्यादा से ज्यादा पियो फेस के लिए, पर्सनैलिटी के लिए, बालों के लिए। पानी ज्यादा से ज्यादा पिया करो, या पानी वाली चीजें तरबूज है, ककड़ी है, खरबूजा है, ये अगर खा लेते हो तो इनके ऊपर पानी कभी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि ये खुद पानी होते हैं, अति हो जाती है फिर वो बैक प्रेशर मारता, उल्टियां हो जाती हैं, लूज मोशन लग जाते हैं। खरबूजा, तरबूज इन चीजों पे, या ककड़ी है जिन तरह कहते तरह, इन पे कभी भी पानी नहीं पीना चाहिए सत्संग जी। इनको खाना चाहिए गर्मी में बहुत ज्यादा, अगर हो सके तो काली नमक मिर्च, काली मिर्ची हल्की सी लगा लें, हल्का सा नमक, हल्का सा बिल्कुल नमक सबसे कम, काली मिर्ची हो या सेंधा नमक हो वो हल्का सा लगा सकते हैं, तो उसके फायदे भी बहुत हैं। तो इस तरह से आप गर्मियों में ये चीजें खाया करें, बहुत ही फायदेमंद है, और अपने सेहत की संभाल करें, कार्य भी करो। आप जिमीदार, अगर आपको जमींदारा करना है तो आप नकाब लगा के भी तो जिमीदारा कर सकते हैं। आंखों में चश्मा लगा लें और यहां नकाब लगा लें, तो ये फैशन नहीं है, ये अपने फेस को बचाना है। आप ऐसा कर सकते हैं अगर करना चाहो तो। और कहीं कहते जी चश्मा गिर जाएगा, रस्सी से बांध लो पीछे, गिर कहां जाएगा? सवाल ही पैदा नहीं होता गिर जाएगा। ये तो अपना अपना तरीका है, काम करने का स्टाइल है, आप करना चाहो तो कर सकते हो, कोई भी वर्क कर सकते हो और आपने सेहत को। हाँ जी, इधर आया तो कोई बोल दे। एक सत्संगी की जीवन कैसा होना चाहिए? सत्संगी का जीवन हमने इस पे व्याख्या ऑलरेडी कर दी है, और जो वीडियो ऑडियो निकालते वो ध्यान दें। सुबह उठना, जल्दी उठना सूरज से पहले जितना असंभव हो, ब्रह्म मुहूर्त में जागना, तो वो चीजें हमने सारी बोली हुई हैं। आपके पास ऑडियो वीडियो होगा तो उसकी भी डीवीडी बना के दें, ताकि पूरी संगत को वो दी जा सके और सारे सुन सके। क्यों सार संगत जी, आप चाहते हैं कि एक सत्संगी का जीवन कैसा हो? जी जी जी, आशीर्वाद, हाथ नीचे कर लें। तो ऑलरेडी वीडियो बना दीजिए, तो आपने तो कुछ नहीं करना उसमें, उसको थोड़ी एडिटिंग करनी है, वो दे दीजिए जल्दी से जल्दी हमें निकाल के जी। धनन सतगुरु तेरा यात्रा सतब्रह्मचारी, इधर ही, इधर ही एक बार। एक मुरीद का अपने सतगुरु पर कौन कह रहा है? नाम नहीं आया, आपको अभी बोला था कि नाम होने चाहिए। चलो, एक मुरीद का अपने सतगुरु पर दृढ़ विश्वास कैसे पक्का हो सकता है जी? सुमन करके, वचन मान के और भक्ति करके। हाँ जी, आप बताएं। सतब्रह्मचारी चौधरी इकबाल और ईश्वर जी 25 मेंबर हिमाचल प्रदेश, इन्होंने एक जैसा ही पूछा है कि आपने दांतों की संभाल के बारे में बताया, आंखों की भी संभाल कैसे की जाए? आंखों की संभाल जो हमारे नजरिए में आता है कि जब भी आप कहीं से आते हैं, फिल्टरेड पानी हो, बिल्कुल पूरा फिल्टर किया हुआ हो, अच्छा पानी हो, पहले नॉर्मल पानी में आप अपनी आंखें यूं अंजुली में पानी भर लें और उसमें आंखें खोलें, खोलने बंद करें, खोलने बंद करें आंखें, उससे क्या है आपकी आंखें धुल जाएंगी। और ये आप रात को भी कर सकते हैं, अगर आप अपने घर में रह रहे हैं तो, और ठंडा पानी लेके
थोड़ा सा ठंडा पानी लेके, ज्यादा नहीं, ज्यादा भी थोड़ा ठंडा पानी लेके उसमें आंखें खोलने बंद कर लें, खोलने बंद कर लें, तो जो भी मिट्टी है, जो भी कचरा है, जो भी आंखों में ऐसा कुछ है वो निकल जाएगा। और फिर अगर हो सके तो खीरा है उसको काट के, या पूरे साबुत खीरे को आप फ्रिज में रख लें, उसको छील के उसकी दो थोड़ी मोटी, जैसे ये चीची उंगली कहते हैं, छोटी उंगली, तो इसमें आप इतनी मोटी दो लेयर जो बना के वो दोनों आंखों पे रख लें 10-15 मिनट। अगर फ्रीजर में रख लें 10 मिनट पहले, उससे तो बहुत ही अच्छा है। तो ये आंखों के लिए बहुत ही बेस्ट है, बहुत ही बढ़िया है। और बाकी वो विटामिन भी लिया करें खाने में जो आंखों के फायदेमंद है। डॉक्टर आदित्य ने पर्ची भेजी है, हिंदुस्तान टाइम्स से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सौरभ दुग्गल ने गुजारिश की है कि आप जी बॉक्सिंग और कुश्ती के लिए सन 2020 के लिए विजन 2020 प्रोग्राम शुरू करें, जिससे इंडिया ज्यादा से ज्यादा मेडल हासिल कर सके। और ऐसे ही ओलंपिक बॉक्सर विजेंदर ने भी आपसे बॉक्सिंग एकेडमी की अर्ज की है। आप जी ने कई बार फरमाया है कि बहनों बेटियों को ऐसे गुर बताएंगे जिससे वो आत्मरक्षा कर सके। इस दुनिया में कोई भी मार्शल आर्ट परफेक्ट नहीं है, आप जी बेटियों को आत्मरक्षा के गुर बताएं जिससे वो गुंडों को पछाड़ सकें। जी जी, वैसे तो बेटियों की ट्रेनिंग चल रही है और स्कूल में हमने बेटियों को बहुत ऐसा बताया है। और ये जैसे आपने बोला बॉक्सिंग का, और ये जुम्मेवार नोट कर लें भाई, एकेडमी विजेंद्र जी को बुलाया जाए और फिर उनसे पूछा जाए, या कोच सहवान जो हैं, कि भाई हमने क्या बनाना है, असल में कैसा रूम चाहिए, क्या 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 साधन चाहिए, बेस्ट एकेडमी कौन सी है, क्या उसके लिए चाहिए, तो वो सारी सुविधाएं दे देंगे। एडम वाले नोट कर लें और करेंगे। तो अगर और भी कोई उस तरह का टॉपिक की बात है तो बता दीजिए। इन्होंने नाम नहीं लिखा, ये लिखते हैं कि अपने वीर्य पर पूर्णतः किस प्रकार नियंत्रण हो सकता है। ये बहुत बड़ी बात है, ब्रह्मचर्य का पालन करना। शादीशुदा, जिनकी शादी नहीं उनके लिए भी वीर्य, वीर्य को जाने नहीं देना, इसी का नाम ब्रह्मचर्य है। वीर्य, कई डॉक्टरों का मत है ओवरफ्लो हो जाता है, 100% झूठ है। वीर्य कभी ओवरफ्लो नहीं होता। अगर आप ब्रह्मचर्य को उसको रखना चाहते हैं, वीर्य को संभालना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले विचार शुद्ध, जो कि गुरु मंत्र सुमरण से होते हैं, उससे होंगे। दूसरा, खान पान शुद्ध, तली हुई चीजें नहीं होनी चाहिए, ज्यादा मिर्ची गरम मसालों का इस्तेमाल ना करो। किसी भी डॉक्टर से पूछ लो, गरम मसाले मिर्ची किसी ताकत को पैदा नहीं करती। तो नमक मिर्ची गरम मसाले खाओ जरूर, लेकिन नाम मात्र, थोड़े थोड़ा, बिल्कुल जरा सा डालो, ताकि, और बाकी कोई भी तली हुई चीजें हैं टेस्टी लेना है तो हम रेसिपी बुक, बाकी हमें लगता है आपको जरूरत है उसकी, जो बच्चों ने बोला था, क्योंकि हम ब्रेड रोल, समोसे, पकौड़े बिना घी के बना लेते हैं, आपको सेम टेस्ट आएगा, वैसे बन जाएंगे, लेकिन आपको घी या तेल में तलने नहीं पड़ेंगे। तो ऐसी चीजें हम बनाते हैं, बच्चों को सिखाया भी है कुछ बच्चों को, तो इस तरह से वो चीजें आप ले सकते हैं, आपका शौक भी पूरा हो गया और साथ में तंदुरुस्ती भी रहेगी। और आपको ये बता दें, वीर्य जो है, अगर ये बॉडी में रहता है तो ये बॉडी के ढाल का काम करता है, ढाल पावरफुल बना देता है बॉडी को। 100 में से 99 रोग नहीं लगते, और आप गुरु मंत्र का जाप करने वाले हो, 100 में से 100 रोग नहीं लगते। 99 हम इसलिए कहते हैं, एक होता है कर्म रोग, जो खान पान से नहीं, कर्म रोग, कर्म पिछले संचित कर्मों का होता है, पर लगातार किया गया सुमरण उससे बचा लेता है। तो इसलिए 100% आप बच सकते हैं। और ब्रह्मचर्य का पालन करते करते जब मैरिज होती है, शादी होती है, शादी करवाएं, रोकते नहीं हम, नहीं करवाने तो भी कोई बात नहीं, मर्जी आपकी, पर अगर आप शादी करवाते हैं तो उसके बाद जो बच्चा पैदा होगा उस ब्रह्मचर्य का, जो आपने पालन किया है, जो तपस्या की है इस कलयुग में, वो बच्चा विकलांग, मंदबुद्धि पैदा नहीं होगा, कमजोर पैदा नहीं होगा, बल्कि अपने आप में नायाब पैदा होगा, बहुत स्ट्रांग पैदा होगा, मोटे पतले से कोई लेना देना नहीं, बहुत मजबूत पैदा होगा।
तो ब्रह्मचर्य का पालन इस तरह से किया जा सकता है कि मान लीजिए फिर भी आपका काबू नहीं रहता, बुरे ख्याल आ गए और उत्तेजित हो रहे हैं आप, नारा लगाएं, ठंडा पानी पी लें, 5 मिनट गुरुमंत्र का जाप कर लें, हम गारंटी देते हैं अगर पहली बार आप कर रहे हैं तो 80% आपके विचार आपके काबू में आ जाएंगे। और अगर इसका रूटीन बना लेंगे कि जब भी बुरे विचार आए मैं 5 मिनट सुमन करूंगा ही करूंगा, तो 100% वो विचार काबू में, नारा लगा के ठंडा पानी पी के 5 मिनट सुमन करना है और सुमन करने के बाद फिर ठंडा पानी ले लेना है। ये दो बातें आप याद रखें तो इस तरह से ब्रह्मचर्य पे चला जा सकता है, अपने आप को कंट्रोल किया जा सकता है। जी धनन सतगुरु तेरा ही आसरा। डॉक्टर मोहित इंसान साइंटिस्ट जर्मनी से और सुमित इंसान ने ये भेजा कि पूज्य पिताजी आप जी ने बच्चे की परवरिश वाले टॉपिक पर बच्चे के लुढ़कने तक बताया था, उसके आगे कृपया बताएं जी। वो भी बताएंगे क्योंकि आज टाइम काफी हो चुका है, लुढ़कने तक आप सीख चुके हैं और अगला भी आपको सिखाएंगे। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब आपका स्वागत, आपने भेजा है और आप ऑनलाइन है जर्मनी से, तो बेटा आशीर्वाद और जरूर बताएंगे, जरूर बताएंगे बेटा। आज टाइम काफी हो चुका है क्योंकि सात संगत हिलने जुलने लगी, अगर बैठे रहते हम तो सारी रात बैठे रहेंगे, हमें कोई फर्क थोड़ी ना पड़ता। और आपको भी पढ़ना नहीं चाहिए था क्योंकि खाना आपने खा लिया, प्रसाद आपने खा लिया, खजाने का सिक्का आपने ले लिया, और कौन सी गाड़ी छूट रही है आपकी समझ नहीं आई, तो आप खड़े हो गए हैं इसलिए। सारे तो नहीं लेकिन इधर भाई काफी ज्यादा हैं, बहनें तो आदत है, उसके बावजूद भी बहनें कम खड़ी हुई हैं, भाई बहुत ज्यादा खड़े हैं। जी सतब्रह्मचारी सौदार डॉक्टर राधे जी, राजू इंसा, 25 मेंबर ईश्वर इंसा, सतब्रह्मचारी सोनू और संदीप, इन्होंने लिखा कि घुटने में बहुत दर्द और कमर के दर्द के लिए क्या किया जाए। घुटने में दर्द है उसके लिए परहेज रखना अति जरूरी है और डॉक्टर सहवान की राय लेना भी जरूरी है, कहीं आपके लीगामेंट तो नहीं पुल हुआ, एक नीचे अपनी तारें सी होती हैं बॉडी में वो पुल हो जाती हैं, ये भी वजह हो सकती है। और एक आप एक्सरसाइज जरूर किया करें, एक्सरसाइज करें और खाने के लिए वो जो ग्रीस पंजाबी में देसी भाषा हिंदी अगर बोलें तो घुटनों का जो ग्रीस है ना उसकी तरफ भी ध्यान दें, बेचारे घुटने घुटने हैं, वो टैंक के टायर नहीं जो इतना वजन उठा लेंगे, आप समझ गए होंगे नहीं समझे। तो अपने इसको दो बातें कहते हैं, क्या कहते हैं, लातें और टांगे, टांगे टंगा हुआ है ऊपर सामान इसलिए ये टांगे हैं, पर इतना सामान मत टांग दो कि टायर तो साइकिल के हो और सामान टैंक का हो, तो बेचारी टांगे क्या करेंगी। तो आपके घुटनों का कारण भी यही है जिनका वजन बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा वजन ओवरवेट जो ज्यादा हो जाते हैं तो ये घुटनों की समस्या भी आ जाती है, तो इसलिए आप लोगों से गुजारिश है एक अपना वजन भी कम रखें, खान पान में ध्यान दें, एक्सरसाइज से कभी घुटने खराब नहीं होते। हाँ अगर आप अपने पावर से ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो शरीर पूरा ही खराब हो जाता है, उसमें कोई दो राय नहीं, जितना तक आप कर सकते हो उतना आप करें, धीरे धीरे बढ़ाते जाएं, बढ़ती जाएगी घुटनों की भी सारी बॉडी की। और इसके लिए एक्सरसाइज की आप इसको थोड़ा सीधा करें, पीछे लेके जाएं, एक पैर पे खड़े हो जाएं और इसको यूं ऐसे, जैसे मान लीजिए दो पैर ऐसे हैं, एक पैर ऐसे ले गए और इसको यूं थोड़ा मोड़ा, घुटने को फिर सीधा कर लिया, फिर उसी पैर को पीछे ले गए, फिर यूं किया और ऐसे सीधा कर लिया, तो ये एक्सरसाइज करेंगे तो ये घुटनों के बहुत फायदेमंद है। और बैक पेन के लिए भी इस टांग को सीधा रखें, फिर पीछे ले जाएं, पीछे सीधा रखें एक टांग को, फिर दूसरी को, तो ऐसे कंटिन्यू करते रहें। या फिर धनुरासन जो होता है कि भुजंग आसन, उल्टे लेट जाओ और अपने हाथ छाती के बराबर लगा लो, 90 डिग्री ऊपर देखो, इतने बॉडी को ऊपर उठा लो, तो ये जो डिस्क का पेन होता है ये भी खत्म हो जाता है। दिन में थोड़ा वार्मअप होके ये करें 3 बार, सुबह दोपहर शाम, फिर छोड़ते जाएं, लेकिन जब भी हल्की सी पेन हो कर लो, और शाम को सबको करना चाहिए, इससे क्या होता है आपको फ्यूचर में बैक पेन नहीं होगी, काफी फायदे रहते हैं। और धनुरासन होता है कि आप पकड़ लें, ये भी इसकी भी एक सीढ़ी कोशिश करेंगे हम निकालेंगे, उसी में भगवान ने चाहा तो, ये भी जुम्मेवार नोट कर लें कि योगा ध्यान से कैसे रोग हटाए जा सकते हैं और आयुर्वेदा के नुस्खे, तो ये सारी चीजें कोशिश करेंगे क्योंकि हमारा तो जीवन बना ही आपके फायदे के लिए, सारे संसार के लिए, और कोई मकसद नहीं है, तो ये भी एक सीढ़ी ऐसी कोशिश करेंगे, जुम्मेवार नोट कर लें। सतब्रह्मचारी मिस्त्री काला जी, पूज्य पिताजी क्या पक्की रोड पर दौड़ने से घुटनों को नुकसान होता है जी?
कुछ ना कुछ फर्क पड़ता है दूसरे की बजाय। कहीं भी बहुत स्ट्रांग अगर एरिया है तो आप जोर से पैर मारते हैं तो नेचुरली उसका असर घुटने पे नहीं कूल्हे पे भी जाता है, और वही चीज आप अगर थोड़ा सा रेत में या कच्चे ग्राउंड में करते हैं तो उतना नहीं फर्क पड़ेगा। रेत में हो सकता है उससे भी ज्यादा, क्योंकि रेत में पावर ज्यादा लगानी पड़ती है, घुटना डलता है तो धस जाता है और निकलता है, तो इसलिए नॉर्मली और धीरे धीरे आप अपने पावर का इस्तेमाल करें, वही फायदेमंद है। तो प्यारी सत्संग जी, आपने चटनी की रेसिपी पूछी थी और हम आपको बता रहे हैं, आप दिमाग में फिट कर लेना, क्योंकि पेन किसी किसी के पास होंगे, यहां आते नहीं पंडाल में, बहुत कम आते हैं, तो हम आपको बता रहे हैं, ध्यान दीजिए। काजू है ये, अगर आप 1 किलो 50 ग्राम प्याज की अगर चटनी बनाना चाहें उसमें क्या क्या डाल सकता है? हमें लगता है ये आपने सही डाला है, उसके अकॉर्डिंग लगता नहीं, क्योंकि ये आप फिर भी ध्यान से देख लें, फिर बता देते हैं हम, एक बार गौर कर लें बबलू जी इसके बारे में, ध्यान से पूछ लें, फिर हमें लिख के दे देना जी। अभी आपको बताते हैं थोड़ी देर के बाद, क्योंकि हमें थोड़ा सा लगा कहीं फर्क है, कहीं आपको गलत ना हो जाए वो सिस्टम जी। कोई ऐसी बात है आपके पास तो बता दीजिए, नहीं तो और ही बात है। हाँ जी, दंदन सतगुरु तेरे माइक के पास हो, दंदन सतगुरु तेरे यात्रा। 18 साल से अबव एज के बच्चों में व्यवहार में काफी परिवर्तन आता है, उनके प्रति पेरेंट्स को कैसा व्यवहार करना चाहिए? आजकल तो शायद 16 से 18 के बीच में ही चेंजेस आ जाते हैं, और उसमें माँ बाप को चाहिए कि वो बच्चों के साथ फ्रेंडली व्यवहार करें, उसका साथ दें, उसकी भावनाओं को समझें और उसी के अनुसार चलते हुए उसी को मोल्ड कर लें, उसी ढंग से जैसा ढंग उन बच्चों का होता है तो वो मोल्ड हो जाते हैं, पर अगर उन पर प्रेशराइज करेंगे तो वो बागी भी हो सकते हैं, प्यार मोहब्बत से उनको बदला जा सकता है। बाकी इस बारे में हमने वो रूटीन बना हुआ है, लुटकने तक आए आगे आएंगे तो उसमें ये चीजें आ जाएंगी। सतब्रह्मचारी सेवादार गिरीश जी सा, मुझे कभी बहुत रूबरू नाइट देखी है, बहुत लोग मुंह फाड़ कर जम्भाई लेते हैं, जबकि आप जी सारा दिन सत्संग फरमाते हैं और उसके बाद सारी सारी रात रूबरू नाइट में भजन गाते हैं, लेकिन आप हमेशा तरोताजा रहते हैं, गुलाब से भी बढ़कर कभी भी हमने आप जी को जम्भाई या उपवासी लेते नहीं देखा, इसका क्या राज है? सब शास्त्र नाम श्यामस्तान दाता रहे भर का कमाल है, हमें ये समझ नहीं आई कि आप इसका कमाल पूछ रहे हैं या जम्भाई देखना चाहते हैं ये समझ नहीं आई। चलो, हम ये कह रहे हैं कि ये सब परमपिता शास्त्र नाम श्यामस्तान दाता रहबर का कमाल है कि हमें अपनी सुधबुद्धि नहीं रहती जब आपसे ध्यान लगाते हैं आप लोगों की तरफ, क्योंकि आप हर किसी के अंदर हमें हमारा मुर्शिद शास्त्र नाम श्यामस्तान बैठा हुआ नजर आता है, वो रहमत बरसाता नजर आता है, हम तो उसी के आशिक हैं, उसके अलावा फिर हमें कुछ नहीं भाता है, बस वही चलाता है, वही सब कुछ करवाता है, वही गवाता लिखवाता है, वही बजवाता है, और 24 घंटे छोड़िए वो तो हमसे 72 घंटे क्या पता नहीं कितनी कितनी देर चलाता चला जाता है, ये सब उसका रहमो करम है, वो बरसाता है बरसाता है और बरसाता चला जाता है, ये उसका रहमो करम है। सतब्रह्मचारी सेवादार अमरीक इंसान, प्यारे पापा जी 101 वंडर रूबरू नाइट में एक ऑफिसर बहुत गर्म था जी, लेकिन रूबरू खत्म होने तक वो मोम बन गया, यह कमाल कैसे हुआ जी? लास्ट में वो जी बेटा, ये बात है कि कई बार अपने सेवादार भी मूर्खता करते हैं, कई बार ऐसी कोई बातें हो जाती हैं, कई बार कहने सुनने में कुछ समझने में फर्क पड़ जाता है, सो ऐसी बातें हो जाती हैं, और राम नाम सबको खुशी देता है जब उनकी समझ में आ जाती हैं ये चीजें, अदरवाइज ऐसी कोई बात नहीं थी, वो जब पता चला ऐसा कुछ नहीं था, कोई बात नहीं थी। सतब्रह्मचारी सेवादार विनोद इंसा, पूज्यता जी रूहानियत में अंदर से आप जी के परमानेंट करीब रहने के लिए क्या करना चाहिए? बेटा, अंदर से भगवान जी करीब हो जाते हैं, सेवा करो, सुमरन करो, वचनों के पक्के रहो, व्यवहार के अच्छे बनो, लगातार ये करते रहो, और मालिक से मालिक को मांगो, बाल बच्चे परिवार वाले हो तो बाल बच्चे परिवारों का संभाल जरूर करो और बढ़िया तरीके से करो, बेटी बेटी को एक समान समझो, अच्छे संस्कार दो, इतना कुछ कर लो तो मालिक आपके जरूर पास होगा। और फिर इतनी बातें नहीं कर सकते तो एक वाली बात, सौहत रसा सिरे दे गंडा, आप समझ गए होंगे कि आप ये कभी भी बुरा कर्म तब ना करना जब भगवान जी देख रहे हो, बस एक ही वचन है, कोई भी बुरा कर्म कोई भी गलत कर्म तब ना करना जब भगवान अल्लाह वाहेगुरु देख रहा हो। पता है आपको, कई तो समझ गए, गॉड इज एवरीवेयर, भगवान हर जगह है,
बस एक छोटा सा वचन है, इतना सा आपको बता दिया, वाहेगुरु के बिना कोई जगह नहीं, ये सिख धर्म में लिखा है, प्रभु कण कण में रहते हैं ये हिंदू धर्म में लिखा है, अल्लाह ताला जर्रे जर्रे में है ये इस्लाम धर्म में लिखा है, गॉड इज एवरीवेयर ये ईसाई धर्म में लिखा है। तो अब आप बस एक बात मान लेना, कभी कोई बुरा कर्म वहां ना करना या भगवान जी हो, बाकी वचन मानो ना मानो आपकी मर्जी। कहीं बहुत हंस रहे, ताली मार मार के फंस गए। तो एक ही वचन है, आप कहते हो ना कि ज्यादा वचन नहीं, तो एक तो मान ही सकते हो, मानना ये बात, फिर देखना मालिक जी कैसे करीब हो जाते हैं, चुटकियों में करीब हो जाएंगे, आप ये बात मान लेना बस। जी विनोद इंसान संगरूर से, मुजफ्फर जी जिस दिन डेरे की स्थापना की गई थी उस दिन के बारे में और उस समय के माहौल के बारे में बताएं। जी तो बेपरवाह साईं मस्ताना जी महाराज ने जब इस आश्रम की नींव रखनी थी, सेवादारों को बुलाया कि भाई यहाँ साईं जी ने भेजा है, राम नाम की रड़ मचनी है भाई, कोई जगह देखें। कुछ सेवादारों ने वो जगह देखी, बाहर जो है वहां जंगलात था, पेड़ पौधे थे बहुत, आंख थे बड़े बड़े, जिसे कहते ना बंजर बियाबान, मस्ताना जी धाम यहां बने, वहां ऐसी ही कुछ जगह थी, वहां पगडंडियां जाती थी जंगलात में से, रस्ते थे थोड़े बहुत, तो वहां साईं जी ने जगह चुनी कि भाई ये जगह वो पंचायत की तरफ से या जो वो माना गया वो जगह ले ली गई। तो साईं जी ने आज का दिन रखा कि भाई चलो शुरुआत करेंगे, लेके आओ भाई खेजड़ी वगैरह झाड़ियां लेके आओ कांटेदार, उनकी बाड़ करेंगे और ईंटें पहले से बना लो, थोड़ी ईंटे उनसे कच्ची ईंटों से कुटिया बना लेंगे या घास फूस की झोपड़ी बना लेंगे। तो ये सारी चीजें रखी गई और इस दिन फिर ये शुरुआत की गई कि अपने वो मालिक हैं, कुलदाता रहबर हैं, अपनी रजा में आके उन्होंने फिर शुरुआत करवा दी। किसी ने शिकायत की कि गुरुजी यहां तो बहुत सांप हैं, बिच्छू हैं, बहुत सी ऐसी चीजें हैं, हम कैसे यहां रहा करेंगे। तो गुरुजी ने बोला आप इनको कुछ ना कहना, ये आपको कुछ नहीं कहेंगे। तो इस तरह से वाकई आज तक वो वैसा ही है, उनको अगर किसी ने छेड़ा नहीं तो वो किसी को तंग भी नहीं करती। तो प्यारी सात संगतियों, साईं जी ने ये सच्चा सौदा बागड़ की धरती कह के इसका इसको नवाजा और ये कहा कि यहां ऐसा समय आएगा राम नाम से लेंदा जुड़ेगा, चढ़दा जुड़ेगा, जुड़ेगी सारी दुनिया अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब के नाम से, ऐसा समय आएगा। तो वाकई आज पूरी दुनिया में राम नाम से लोग जुड़ रहे हैं, उन्होंने जो वचन किए हूबहू पूरे हो रहे हैं। जी गुरप्रीत इंसान बठिंडा से, पूज्यता जी बच्चों को पढ़ाने का कैसे पढ़ाया जाए ताकि उनको जल्दी समझ आ जाए, बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए, किस प्रकार पढ़ाया जाए ताकि उनको जल्दी से समझ आ जाए। बच्चों को अगर उनको एक ये सिखाया जाए कि आप जो पढ़ने जा रहे हैं उसकी एक फोटो बना लें, कोई भी फार्मूला, हम नॉन मेडिकल पढ़ा करते थे, बहुत से फार्मूले आपस में मिल जाते थे, हमारे टीचर साहबान या वो सिखाते थे, हम कुछ बच्चे थे जो सीखा करते ये चीजें, वैसे वो हम शायद बचपन में ही वो चीज विजन बन गया था उस तरह का, हम पढ़ते नहीं थे ज्यादा, शुरू से ही यही था, खेलते बहुत थे और काम धंधे बहुत चलते थे, तो विजन ये था कि कोई फार्मूला है उसकी एक फोटो दिमाग में सेव कर लेते थे, उसको देखा एक बार, आंखें बंद कर ली, वो आया कि नहीं आया, नहीं आया, दूसरी बार उसको देखा, फिर देखा ये हाथ है, इसको देखा फोटो बनी नहीं, दो बार तीन बार फोटो बन गई, तो इसका मतलब उसको दिमाग में ले जाते कि हाँ ये सेफ हो गया। तो पढ़ो भी उसके अंदर विजन में फिट कर लो और लिख के याद करो। तो ये तीन चीजें आप पढ़ लिया, फिर उसको लिख के याद करते हैं, उसकी फोटो करके अपने अंदर माइंड में फिक्स कर लेते हैं। हम इन बच्चों को बताया करते हैं हमारे बच्चों को कि बेटा आप सारे बच्चे हैं पर जो बचपन से रहे या अब हमारे हैं, तो ये सभी लोग कहते हैं, इनको बोलते हैं कि बेटा अगर आपने सुबह 4 बजे उठना है, टाइम पीस की सुइयां देख लो, आप फोटो कर लो, ये सुइयां अब 11 बजे पे हैं, ये 4 बजे पे आएंगी तो हमने जाग जाना है, एक बार दो बार तीन बार सोच लिया सो जाओ बेफिक्र होकर। और ये कहने लगे पापा जी कमाल हो गया, 4 बजने सही 4 बजे हम ऐसे जागे जिसे किसी ने फड़के बैठा किया हो, क्योंकि हमारे माइंड में अलार्म लग जाता है। तो इस तरह से अगर आप स्टडी करवाएंगे तो फायदा होगा। तो आज काफी है इतनी बातें,
प्यारे सत्संग जियो और आगे से आगे के लिए आप टॉपिक छांट के रखा करें इस भंडारे पे, इसको ई स्पेशल बनाया करेंगे और अलग से बातें और अलग से कोई फंक्शन चलाया करेंगे, आपके सामने कोई डांस या कुछ ऐसी चीजें सात संगत की बच्चों की करवाया करेंगे जो अलग हो, कुछ हटके हो, जिसमें शिक्षा भी मिले और आपको खुशियां भी बेहद है, और वीडियो चलाया करेंगे, रात का प्रोग्राम होगा, वीडियो पे आपको बहुत सी चीजें भी दिखाया करेंगे। और ये तो चलेगा ही चलेगा प्रसाद वाला, ये चीजें अभी होली रह रही है तो आप तैयार रहिए, होली वाले भी तैयार रहे, बस इसके बाद होली है। तो आप ध्यान से सुन लीजिए, आप चटनी जो बनानी है वो प्याज 1 किलो 50 ग्राम के लिए, उसमें काजू डालने 100 ग्राम, बादाम है 100 ग्राम, मीठे आम 200 ग्राम, लाल टमाटर 300 ग्राम और इनको अच्छी तरह से घोट लें, नमक मिर्च स्वाद के अनुसार, आप इसमें नमक मिर्च स्वाद के अनुसार नमक और मिर्च आप डाल सकते हैं, तो 7 हो गई, 7 का फार्मूला है, तो इसको आप बनाएं और कच्चा ही फिर खाएं, बाकी मालिक जाने भाई। उस दिन तो सात संगत ने सबने कौलियां चट कर दी, कहेंगे गुरुजी ये तो थोड़े में खत्म होगी, मिली नहीं बाद में। तो ये एक स्पेशल वो चटनी है जो आपको फार्मूला बताया गया, तो ये आप नोट कर सकते हैं जी, आशीर्वाद। तो होली के लिए तैयार, और ये जो रह गए हैं भाई जिन्होंने दीन दुखी मद के लिए बैंक में पैसा जमा करवाया है, उन सबको बहुत आशीर्वाद। और शादियां हैं कुछ, बस उस बीच में ये कर देते हैं फटाफट, शादियों वाले कार्ड कहां है भाई? शादी वाले कार्ड, बाकी ये कागज ले लें आप, जो जाम पीने आए हैं बाहर से, गुरजीत कौर इंग्लैंड, मनोज कुमार मस्कट ओमान, सतीश ढिल्लो मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया, बहुत स्वागत। और विदेशों से आई सात संगत, बलजीत इंसा स्पेन, निर्मल इंसा अमर इंसा, हरदीप इंसा कुलदीप इंसा यूएई, चरणजीत इंसा दोहा कतर, खड़े होते जाओ, सुखदेव इंसा सिंगापुर, बलजिंदर इंसा अफगानिस्तान, संदीप इंसा कुलदीप इंसा, हरमीन इंसा, राजविंदर इंसा अमन मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया, कमलजीत इंसा कुबैत, कुलविंदर सिंह इंसा मनीला फिलीपींस, महावीर इंसान अनुराधा सृष्टि तंजानिया अफ्रीका, जाने वाले नवीन इंसा, शेर सिंह इंसा, सुखवीर इंसा, सीतू इंसा, विजय इंसा, एकता इंसा, जोगिंदर इंसा। तो बाकी सबको बहुत आशीर्वाद, क्योंकि समय की वजह से बाकी बातें नहीं हो सकती। दीन दुखी मद में जो भी बैंक में पैसा जमा करवा रहे हैं तो उनको मालिक बेहद खुशियां दे। हाँ, नाम पढ़ के सुनाना है कुछ। और प्यारी सात संगत जी, आप जो विदेशों से आए हैं बहुत बहुत स्वागत जी आया नु, जाने वाले बचनों में पक्के रहना, सुमन कर देना, मालिक खुशियां दे, सो मालिक दिया में रहमत से माला माल करे, नारा लगा के बैठ जाए, आशीर्वाद। हाँ जी बोलिए, हाँ बोल दीजिए जल्दी। धन सदगुरु तेरा ही आसरा, सदगुरु जी की प्यारी सात संगत जी, यहाँ हर एक मानवता भलाई के कार्य दीन दुखियों की मदद को शुरू करने वाले खुद पूज्य हजूर पिताजी हैं, जो खुद परमार्थ करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं और करोड़ों लोगों के प्रेरणा स्रोत भी बनते हैं। तभी सात संगत बढ़ चढ़कर मानवता भलाई के कार्यों में अपने प्यारे मुर्शिद जी की अपार रहमत से हिस्सा लेती है, और मानवता भलाई के इन कार्यों में आदरणीय शाही परिवार भी अपने मुर्शिद की अपार रहमत से हमेशा आगे रहते हैं। और आज भी विवाह शादी वाले 20 परिवार आए हैं, और पिछली बार एक नई रीत चलाई थी, आज भी उसी रीत को पुनः चलाएंगे। ये 20 के 20 परिवार आ जाएंगे और जल्दी से वहां सामने उधर की तरफ भाई खड़े हो जाएंगे, इधर बहनें खड़ी हो जाएंगी, तो आप ये सिस्टम बनाएं भाई और कोशिश करें इस साइड में आ जाएं या इस साइड में आ जाएं, कोई बात नहीं, यहां भी जगह ज्यादा है, पर ये ध्यान रखना है जो दूल्हा है उसके सामने वही दुल्हन होनी चाहिए, ये पूरा ध्यान दीजिए। पर एक परिवार उससे पहले सात संगत जी, भक्त योद्धा का विवाह है, वो नौजवान
जो वैश्यों से शादी करवाने को तैयार रहते हैं, आज उस नौजवान की शादी हो रही है। हौसला अफजाई बनता आपको कहना पड़ता है। जी 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 जी, आशीर्वाद जी, बहुत आशीर्वाद। हाँ, ऐसे खड़े कर लें आप, आगे भी खड़े कर सकते हैं, अगर ज्यादा है तो ऐसे भी एल एल शेप में या एक इस लाइन में बना लें। हाँ, ऐसे बना लें पूरा। अरे वो आदिवासी नहीं, दूसरे 20 परिवार, इनका तो करना ही है, सामने ले आए, इनको भी सामने ले आए, आदिवासी परिवार सामने ले आए, सामने आ जाए, सामने 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 आ जाए, यहां लाइन बनाते हो आप, और दूसरी फैमिलीज भी यहीं। हाँ, क्योंकि वो पिछली बार नई रीत चलाई थी, कुछ सेकंड में ये 20 ये हैं और शायद आदिवासी परिवार जो है वो 10 हैं, 12 वो हैं, ये 32 शादियां होंगी और एक साथ होंगी। आगे को हो जाए बेटा, आगे को हो जाए, आ जाए आ जाए आ जाए, सामने आ जाए आ जाए, बस बेटा यहां खड़े हो जाए, साथ साथ ठीक खड़े हैं, वो ठीक खड़े हैं, साथ साथ हो जाए बेटा, थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ दें, थोड़ी 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 जगह। और बहने भाई, इनके सामने बहने, चलो जिम्मेवार बहने चले इनके साथ, इन बहनों को लेके चले, और नाम इधर से, इधर से यहां से ले जाए, जिम्मेवार बहने साथ हो लें, और इनका नाम पूछ के, हाँ 25 मेंबर भी साथ हो जाए, एडम वाले साथ हो जाए, नाम पूछ के सामने खड़ा करें भाई बहनों को। और वो शादी जो आपको बोला भक्ति योद्धा की, बहनों जल्दी से चलो बेटा, ये आपकी बेमिसाल एक अलग तरह की शादियां हैं, बेमिसाल, आपके नाम मंजूर दरगाह में, जो हम बोलते हैं जो के त्यों मंजूर सबके, और आप दीन दुखियों की मदद जो तन मन धन से करते हैं सारे परिवार, कोई खूनदान किया होगा, कोई गुर्दे दान, आंखें दान, मरणोपरांत शरीर दान, आंखें दान, पैसा दान करते हैं दीन दुखियों के लिए, बैंक में जमा करवाते हैं, तो उससे भी बढ़ के खुशियां मिले जितनी हम बोला करते हैं। आपके घरों में सेवा सुनने में मन लगे, मालिक से प्यार बढ़े, आपस में प्यार बढ़े, मालिक से दुआ करते हैं, और ग्रीन एस के सेवादार वर्दियां पहन के आप सबको सैल्यूट करते हैं कि आप उसी वर्दी को तोहफा समझ के पहना है, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। खुशियां उससे भी बढ़ के आएंगी, आपकी वीडियो बन रही है जो पहले नहीं बननी थी, पूरी तरह से वीडियो बनेगी, इधर से भी कैमरा उधर कर लें ताकि अच्छी तरह से आपको वीडियो भी हो जाए, और हाँ कैमरा लगा हुआ है ऑलरेडी, तो पहले ये शादियां कर देते हैं और उसकी भक्ति योद्धा की, एक मिनट रुक जाए, हाँ भक्ति योद्धा, हाँ यहां आ जाए बेटा जी, तो आप तैयार हैं भाई, बरमाला तो दे दो कि आप सारी रखोगे, क्या बात कमाल है, वो अकेले लेके घूम रहे हैं, अरे दे दो एक एक पकड़ा दी सबको, थोड़ी बीच में जगह कर लो बेटा, बहनों पीछे को हो जाओ, अरे पीछे को, अब देख के भाई, भाई देख के, इतने क्यों आगे अंदर, बाहर से पकड़ाएं, बाहर से बरमाला, बाहर से, बाहर से, हाँ जब बरमाला आ जाए तो बताना, उधर तो आ गई है जी, रुके रहिए रुके रहिए। तो आप बंगीदास माइक के पास आ जाएं, जोर से बंगीदास नारा बोलेंगे, सासंगत भी बोले, उसी तरह आपने हार डोलना है, हार डालना है, दिल जोड़ माला, तो आगे सबके पास बरमाला, इधर आगे बेटा, बच्चियों के पास भी, और सारे सही है ना बेटा आप, क्योंकि उसी दूल्हे के सामने वही दुल्हन हो, आप तो हमारे तो बेटे बेटियां हैं दोनों, पर हम यही चाहेंगे कि वही ये पूरा ध्यान दें, ठीक है बेटा, बच्चियां भी देख लें, बच्चे आप देख लो, इसमें शर्माने की कोई बात नहीं, दुनिया तो क्या क्या करती रहती है, ये तो रूहानियत में आप शादी करवा रहे हैं, बेमिसाल है वैसे भी, तो हमारे ख्याल से ये रूहानियत की लव मैरिज भी है, क्योंकि एक दूसरे को पहचान रहे हैं, कई कहते हैं ट्रू लव क्या होता है, ये है ट्रू लव, वो पता नहीं क्या, टू इन वन है, लव मैरिज भी है और अरेंज मैरिज भी है जी, तो ये एक अपने आप में, क्योंकि ये
एक फकीर के सामने, साथ संगत भगवान के सामने एक दूसरे को पहचान के हाथ डाल दें, ये बहुत बड़ी बात है। ये ब्रह्म विवाह सर्वोत्तम विवाह होता है, जो दुनिया का सबसे अच्छा और सुखद विवाह होता है। मालिक करे आप एक दूसरे की अंडरस्टैंड करें और बड़े प्यार से रहें, एक मिसाल बने बेटा, ताकि आपने यहां शादी करवाई हमेशा दिमाग में याद रखें जी। तो जोर से आप नारा बोले, हाँ तैयार रहे और नारा बंद होते ही हाथ डाल दें, बोले नारा धन सतगुरु तेरा ही आसरा, डाले हार, हाथ डाल दे बेटा, सकते हैं आपका ख्याल है तो जी। आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद, आशीर्वाद जी। अब बेटियां इधर आ जाए, बेटे इधर बैठ जाएं, आशीर्वाद बेटा, सबको सैल्यूट, आशीर्वाद, आ जाएं बेटा, बेटियां इधर आ जाएं और आप बेटे उधर चले जाएं बेटा, सब लोग ऐसे ही वो उदयपुर झाड़ो उस साइड से आए, आप भी आ जाएं बेटा, आ जाओ बच्चों, आ जाओ, शादी इनकी भी हो चुकी है, इधर से भाई लड़के, इधर से लड़कियां, इधर से जी। तो ये शादियां आपने देखा अलग तरह की, और अब एक और अलग तरह की शादी है, लड़के उधर जाएंगे बेटा, लड़के उधर जाएंगे, लड़के उधर जाएंगे, शादी हो गई है और थोड़ी देर के बाद आप घर ले ही जाएंगे। तो सत्संग का ये असूल है, अभी तो इसके बाद आपने खाना पीना जो भी आपका है वो आप जा सकते हैं बेटा, भोजन ले सकते हैं जैसा आपका ख्याल, जाना हो शादी वाले परिवार जा सकते हैं, सबको बेहद आशीर्वाद और मालिक खुशियां बख्शे। तो ये जो परिवार जो आपको बोला, ये दीन दुखी मध्य बैंक में 2100 रुपए जमा करवा रहे हैं, मरणोपरांत रिश्तेदार 3, श्रीता ने 1 और जीते जी गुरुदेव ने 1 मेंबर, बहुत बड़ी बात, आशीर्वाद। और ये भक्त योद्धा विधवा विवाह है, ये बहुत बड़ी बात, आशा, जीवन आशा मुहिम के तहत, क्योंकि अगर शुभ देवी नहीं आती तो फिर ये शादी करवाई जाती भक्त योद्धा को, वो तमाम खुशियां जो वचन है। और लड़के इसमें भक्त योद्धा का नाम है अनिल कुमार इंसान, पुत्र प्रकाश चंद इंसान जी का, निवासी गांव ढाटी जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश। लड़की का नाम संजू कुमारी इंसा, पुत्री जवाहरलाल जी की, निवासी गांव करियारा जिला कांगड़ा हिमाचल। लड़की की पहली शादी से 2 बच्चे हैं, वो भी ये भक्ति योद्धा बना रहा है जी, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। जी आशीर्वाद बेटा, और ये निशानी आप ले जाएं और पूजा हजूर योद्धा आ जाए। 25,000 रुपए का चेक इस नव दंपति को टोकन ऑफ लव के रूप में अपने पावन सरकमलों द्वारा प्रदान कर रहे हैं जी, इसके लिए भी जोरदार तालियां हो जाएं। जी तो आप होली प्यारी सत्संग जी, उसके लिए आपको पहले बोल दिया था, ले आओ जी बटन, कौन सा सेवादार भाई कैसे चलाना है। और ये बच्चे हमारे बहुत डिजाइन बनाते रहते हैं, हर बार नए नए फंक्शन लगाते रहते हैं, बहुत आशीर्वाद, शाबाश। जी तो जी जी शुरू हो गई है होली, पीछे बड़े फुहारे के नजदीक मत रहना, ये बड़े जो फुहारे हैं ये लग जाते हैं, यहां शुरू नहीं हुए शायद अभी तक, या अंदर शुरू नहीं हुए।
शुरू होने जा रहे हैं। थोड़ा सा टाइम लग जाता है, पाइपों में पानी आता है और फिर कलर आएगा। यहां नहीं आ रहा वो ध्यान दें भाई सेवादार। कई जगहों पे तो आने शुरू हो गए हैं और आगे भी शुरू हो गए। बहनों की साइड में शायद अभी शुरू नहीं हुए, बहनों की साइड में, बहनों की साइड में शुरू नहीं हुए हैं। कोई बटन और तो नहीं दबाना? आ गया है बहनों की तरफ भी, पीछे शुरू हो गया है। और आप सोचो इतनी ज्यादा पाइपलाइन है उसमें टाइम तो लगता ही है। आ गया आपकी तरफ, फ्रंट में नहीं आया शायद, क्या आ गया? आ गया, वहां भी आ गया है। तो ये ऊपर डेकोरेशन उस हिसाब से किया करो, ये डेकोरेशन, ये डेकोरेशन में ही उलझ गया ये फुहारा। तो अगर सेवादार उसको तोड़ दें तो ज्यादा अच्छा है। ये पता नहीं क्यों लगाई है फुहारे के पास। ये डेकोरेशन का एक पीस, वो अगर ऐसे किसी तरह से टूट सकता है देख लो, नहीं तो ठीक है। वो उसमें लगा हुआ है और फुहारे के पास मत बांधा करो। जी जी, और नजारा देखते ही बनता है। सात संगत के ऊपर पूरी तरह से रंग, और ये आपके पूरे जीवन को रंगे, आपकी बुरी आदतों को धो डाले और अच्छी आदतें पनपने के लिए आपकी मदद करे, ये सतगुरु मौला से दुआ है और आप सबको बहुत आशीर्वाद है। हमें लगता है काफी हो गया जी, दोबारा टच जी ले जाए आशीर्वाद। जी तो प्यारी सत्संग जियो, लंगर भोजन से कोई रह गए हो वो भी ध्यान दें, लंगर भोजन लेना है सबने। और प्रसाद से रह गए हो तो प्रसाद भी दिया जाएगा। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी, आराम से जाना है। साजियों ने तो साज ही छोड़ दिए, तो कोई बात नहीं, मस्त मस्त रूहानी रूबरू में आपको सुनाते ही रहते हैं हमेशा। वरना कुछ चला दें भाई, कुछ सुना दें या फिर जी नहीं, वो क्योंकि रंग के डर से काफी। तो प्यारी सास संग जी हो, चला सकते हैं, कुछ है आपके पास? सासू जी बजा दो, साज ही बजा दो कुछ। रंग दिया रे मोहे रंग दिया रे, चलो चलो बजाओ, यही बजाओ। रंग दिया रे मोहे रंग दिया रे, साई मस्तान जी ने शास्त्री नाम जी रे, साई मस्तान जी ने शास्त्री नाम जी, रंग दिया रे रंग दिया रे मोहे रंग दिया रे, रंग दिया रे मोहे रंग दिया रे। आशीर्वाद जी, तो आशीर्वाद प्यारी सत्संग जी। और उसने ऐसा रंग दिया कि जन्मों जन्मों के पाप धुल जाएं और अच्छा रंग चढ़ जाए, नेकियत में, इंसानियत में, भले कामों में बुलंदियां छू जाओ, अंदर बाहर कोई कमी ना आए, ऐसी खुशियां लेके जाओ। पर आराम से जाओ, जब तक घर नहीं पहुंचते
मालिक के भंडारे की खुशियां कई गुना बढ़ के पाओ, कई गुना बढ़ के पाओ, कई गुना बढ़ के पाओ। सो आशीर्वाद बेटा सबको, और आराम से जाना, जल्दबाजी नहीं। 25 मेंबर एडम वाले सबने ध्यान देना है, बहुत ज्यादा सत्संगत है, आराम से जाएं, बोलते रहना है, घर आराम से पहुंचे, यहां से भी आराम से जाएं पंडाल से। अगली बार ये बहुत बड़े गेट बनाए जाएंगे, ये भी ध्यान देना है, ज्यादा गेट हुआ करेंगे, सत्संग देके तब जाना चाहिए तो जा, इस तरह से कोई सिस्टम इसका बनाएंगे। सो आशीर्वाद बेटा। सो अब थोड़ा समय आप चाहे खड़े रहें चाहे बैठे रहें, आपकी मर्जी, लेकिन जाएं आराम से। बैठ जाएं तो अच्छा है, क्योंकि पीछे बहुत सारे संगत हैं, आप जा नहीं पाएंगे इतनी जल्दी। आगे वाले बैठ जाएं, शेड के नीचे नीचे वाले सारे बैठ जाएं, आपसे प्रार्थना है, क्योंकि पीछे बहुत ज्यादा सारे संगत है। जब पीछे वाली सारे संगत जाएगी तो उठ के जाना है। ये भी आपने वचनों पर अमल कमाना है, और अगर अमल कमा लोगे तो और खुशियां लेके जाओगे, और दया में रहमत से माला माल हो जाओगे। तो आशीर्वाद, अब थोड़ा समय बैठे रहें, सबका बहुत बहुत स्वागत, जी आयनों, और बहुत बहुत मुबारकबाद, मालिक खुशियां बख्शे, आशीर्वाद।